एवरीवन, वेलकम टू बुलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन जो कि एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये जो शिफ्ट होगी ये 12 अक्टूबर 2020 की जो सेकंड शिफ्ट आई थी उसके हम यहाँ पे 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 12 अक्टूबर के 2020 के पहली शिफ्ट के फर्स्ट शिफ्ट के रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, इंग्लिश एंड जीएस के क्वेश्चन आपको ऑलरेडी अपलोड करवा दिए हैं। उसको अगर आपने नहीं देखा तो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो आफ्टरनून सेकंड शिफ्ट था इसके अंदर आपको इंग्लिश और मैथ का सेट मैंने ऑलरेडी पहले ही प्रोवाइड करवा दिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके यहाँ पे रीजनिंग के सेशन के ऊपर, ठीक है। वन बाय वन क्वेश्चनों को सीखेंगे, ट्राई करेंगे कुछ इम्प्रूव क्वेश्चन जो आए थे उनको जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक। तो जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल के अंदर फर्स्ट टाइम आया है तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें और अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम के ऊपर जाके सर्च करो बलविंदर लाइव और वहां पे आपको मेरा लिंक मिल जाएगा। वहां पर आप उस लिंक के थ्रू मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरी कोई भी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको वहां पे मिल जाएगा, क्लियर। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन ए गिवन फिगर, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन को समझना है तो आपको देखो एक तो सिंपल है कि आप इसके स्क्वायर काउंट करने स्टार्ट कर दो, या तो आप इसके स्क्वायर एज इट इज के एज इट इज काउंट करने शुरू कर सकते हैं कि इसके इतने स्क्वायर होंगे यहाँ पर, जैसे वन स्क्वायर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चार नंबर ये हो गया, फिर पांच नंबर ये बड़े वाला हो गया। एक तो ये तरीका रहेगा, ठीक है। या फिर आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई तरीके से पढ़ सकते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पर थोड़ी लाइन यहाँ पे थोड़ी टेढ़ी सी हो गया, कोई बात नहीं है, मान के चलो ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्वायर कितने हैं, मान के चलना सारे बॉक्स आपके बराबर दे रखे हैं। अगर सारे बॉक्स बराबर है तो इसके अंदर टोटल 5 स्क्वायर होंगे। कैसे? एक स्क्वायर ये होगा, दूसरा स्क्वायर ये वाला होगा, तीसरा आपके पास ये वाला, चार नंबर ये वाला और पांचवा नंबर ये बड़े वाला, ठीक है। तो 5 स्क्वायर होंगे। अगर आप ये 5 स्क्वायर को डायरेक्ट काउंट करना चाहते हैं तो इसका एक शॉर्टकट है, वो होगा बॉक्स के अंदर। बॉक्स अगर होगा, बॉक्स में देखो आपके पास कॉलम कितने, ये बॉक्स दिख रहा है बाहर से, ये आपको बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स के अंदर यहाँ पे कॉलम कितने, दो, एंड रो कितने हमारे पास यहाँ पर, एक एंड दो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसमें से एक नंबर माइनस करके यहाँ पे, इसमें से एक नंबर माइनस करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एक नंबर इसमें से माइनस करेंगे, जीरो, जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग विल बी जीरो, क्लियर। तो यहाँ से आपको इस शॉर्टकट से सीधा हो जाएगा, ये 4+1 करेंगे तो इसके अंदर टोटल 5 स्क्वायर होंगे, क्लियर। हो सकता है किसी बच्चे को लगे सर इतना कौन याद करेगा, बट अगर स्क्वायर के फॉर्मेट याद होंगे तो ये क्वेश्चन आपका एक्यूरेसी में आंसर लेकर आएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं आपको बाकी सारे डब्बे को छोड़ दूं, ये वाले बॉक्स को सारे को मैं बाद में देखूंगा, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये जो आपको डब्बा दिखाई दे रहा है इसमें कितने स्क्वायर है, कैसे काउंट करें। तो मैंने अभी बताया इसमें कॉलम कितने, एक दो तीन चार, चार हम यहाँ पे लिखेंगे, कॉलम कितने, रो कितने, एक दो, और ये वाली तीन रो, तो तीन हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक नंबर यहाँ से माइनस करेंगे तीन, एक नंबर यहाँ से माइनस करेंगे दो, मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमें फिर प्लस लिखना पड़ेगा, एक नंबर यहाँ से माइनस करेंगे, एक नंबर यहाँ से माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर से प्लस करेंगे, एक नंबर यहां से माइनस करेंगे वन, एक नंबर यहां से माइनस करेंगे जीरो, और जीरो इंटू समथिंग जब आएगा तो जीरो हो जाएगा, उसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको दिखा होगा 12 ये हो गए, 6 ये हो गए और दो ये हो गए, ठीक है। 12 और 6 18 और दो कितना हो गया, टोटल 20। तो इस बॉक्स के अंदर टोटल आपके 20 स्क्वायर दिखेंगे जो आपको यहां से दिखाई देंगे, ठीक है। अगर ये हमारे पास 20 स्क्वायर है तो इनको साइड में लिख लेते हैं, साइड में लिखा प्लस, ये वाला डब्बा तो आपको मैंने अभी बताया था। अगर मैं इस डब्बे की बात करूं जो आपको रेड कलर के अंदर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला बॉक्स मैंने अभी अभी आपको बताया था, इस बॉक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, इसको भी रो एंड कॉलम वाइज कर लो, अभी बताया था ना, इसके अंदर 5 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर यहां से आएंगे और ये डब्बा आपका यहाँ पे भी देखेगा, ये डब्बा आपके पास यहाँ पे भी देखेगा, तो 5 स्क्वायर आपके पास यहाँ देखेंगे, 5 और 5 कितने हो गए टोटल 10, 5 ये वाले, 5 ये वाले, और एक डब्बा आपके पास ये भी दिखेगा तो एक इसमें और ऐड होगा। तो 31 तक तो हर एक बच्चा काउंट कर सकता था विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है, 31 तक आप काउंट कर सकते हैं, बट इसका आंसर 31 नहीं है, ऑप्शन में भी 31 ही है। तो एक इसमें हिडन फिगर बच गया, ध्यान रखना। जब मेरे पास यहाँ पर मैंने इस डब्बे के अंदर एक शॉर्टकट लगाया और यहाँ पर मैंने चेक किया, उसके बाद मैंने एक डब्बा यहाँ से पिक करके ये वाला शॉर्टकट यहाँ से पिक किया, तो इनमें एक हिडन फिगर बच गया। वो हिडन फिगर कौन सा है, ये वाला, ध्यान रखना, मैं एक डार्क करके दिखाता हूँ, ये वाला आपका स्क्वायर जो है वो बच गया, वो कहीं भी काउंट नहीं हुआ, क्योंकि वो शॉर्टकट इधर भी रह गया उधर भी रह गया, ये वाला हिडन कहीं भी काउंट नहीं हुआ। तो 31 वहां थे, एक आपका और जुड़ जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 32, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर के क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि जो हमारे पास ये वाला पेयर है वो कैसा ऑप्शन ऐसा निकालो कि जो इसका सिमिलर पेयर बना दे, ठीक है।
इस टॉपिक को मैं एनालॉजी कैटेगरी में डाल सकता हूँ। एनालॉजी एक वर्बल रीजनिंग का एक आपके पास अच्छा टॉपिक है। नॉन वर्बल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनालॉजी का मतलब होता है कि जो रिलेशन आपका ए टू बी जा चुका है वो रिलेशन आपका सी से डी जाना चाहिए, मतलब जो ए से बी हुआ है वो आपका सी से डी होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपका रिलेशन जो इसमें है वही रिलेशन आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका फॉलो करेगा। क्लियर? अगर आप खुद ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज मैं अपनी स्पीड में थोड़ा रहूंगा और मैं अपने सारे 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पे जल्दी से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और फ्रेंड सर्कल से शेयर भी करें और इस चैनल को ज्वाइन भी करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी इस क्वेश्चन का उत्तर। जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो करने के इसके दो तीन ढंग हो सकते हैं, बट आप एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे 34 देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि 34 से अगर मैं 210 तक जाना चाहता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं 34 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 170 आएगा। 170 से तो ये नंबर बहुत पीछे है। अगर मैं यहाँ पर 34 को 6 नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास 204 आएगा। ये अब भी इससे पीछे है। इससे कितना पीछे है? यहाँ पे 6 नंबर पीछे है। तो मैं ये सोच सकता हूँ कि मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6 ये बनाया जा सकता है। ठीक है, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 ये हमारा कहीं ना कहीं लॉजिक बनाया जा सकता है, बट आप ऑप्शन में वेरीफाई करोगे फिर नहीं मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर साथ ही सोचना पड़ेगा कि यार 34 लिखा था मैंने, 34 इंटू 6 प्लस 6 करेंगे तो इसका जो उत्तर है बिल्कुल 210 आएगा। आप चेक कर सकते हैं, आप ऑप्शन को अंदर वेरीफाई करके चेक करो क्या सारे ऑप्शन ऐसे सेटिस्फाई हो रहे हैं। अगर हो गए, अगर एक ही ऑप्शन होगा वैसे, अगर हो गया तो गुड, अगर नहीं हुआ तो आपको इसके अंदर रीअरेंजमेंट करनी पड़ती है। 6 को कॉमन बाहर निकाल लो तो अंदर क्या आएगा, यहाँ पे 34 प्लस 1 आ जाएगा जो कि आपका 210 कहलाएगा। तो क्या मैं इसी फोटो को ऐसे बना सकता हूँ? क्या बना सकता हूँ मैं यहाँ पे 34 प्लस 1 और इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो आपका 210 आना। क्लियर है कहानी? अब यहाँ पर आपको समझ आ गया ये लॉजिक हमारे पास 210 का कैसे बना। अब काफी बच्चे ये सोच पाएंगे पेपर में, काफी बच्चे डायरेक्ट ये सोच लेंगे, दैट इज ए गुड। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये गलत हो जाएगा, कई बच्चे इसको डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैंने लॉजिक निकाला, जो हमारे पास ये नंबर था इसके अंदर एक नंबर ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो आपका ये 210 आना चाहिए। बिल्कुल आ रहा है, वही लॉजिक ऑप्शन में देखो, पहले ऑप्शन में आ रहा है क्या, 47 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 48। 48 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 48 आ गया, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 8 आएगा, लास्ट में हमारे पास 8 आ जाएगा, यहाँ पे तो 2 आ रहा है तो ये ऑप्शन एलिमिनेटेड, 282 आएगा ही। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप, इसके अंदर 66 लिखा हुआ है तो इसके अंदर 1 ऐड करेंगे 67, मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 67 × 6 यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 और 6 36 और 4 40, तो ये आपका बिल्कुल 402 के बराबर आ रहा है। तो यही इसका लॉजिक होगा और यही इसका उत्तर है। इसको भी आप चेक कर लो, ये 100 नहीं आएगा क्योंकि अगर मैं 54 प्लस 1 करूंगा 55 × 6 करेंगे 300 के प्लस हो जाएगा तो ये नहीं आएगा उत्तर। ठीक है, इसको चेक कर लोगे, ये हमारे पास 39 हो जाएगा, यहाँ पे 1 ऐड करने के बाद 39 हो जाएगा, 39 × 6 करोगे ये भी आपका नियर अबाउट 240 के आसपास आ जाएगा, तो ये भी आपका उत्तर यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, लास्ट में 4 आ जाएगा, ये आपका नहीं बन पाएगा। क्लियर, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ हमारा, बी ऑप्शन, जो कि प्रॉपरली यहाँ पे सेटिस्फाई कर चुका है। क्लियर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास यहाँ पर सीरीज से पूछा गया है कि इसके आगे वाली सीरीज क्या हो सकती है, या ये जो क्वेश्चन मार्क है ये क्या रहा होगा। ठीक है, अगर आपको इसको सिंपली जज करना है जल्दी से तो आप सिंपल देखो, यहाँ पर ए लिखा हुआ है और ए से ये वाला नंबर देखो, यहाँ पे 3 नंबर इंक्रीमेंट लेकर आ रहा है, 3 नंबर नहीं सॉरी 2 नंबर, ए एंड बी एंड सी, 2 नंबर बढ़ा दोगे सी आ जाएगा, तो सी से यहाँ पर ई तक आते आते फिर से 2 नंबर बढ़ गए, और ई से आगे 2 नंबर बढ़ाओगे जब अगर आप, तो ई से अगर 2 बढ़ाओगे तो जी आएगा यहाँ पर आपके पास, और यहाँ पर ये एच वाला ऑप्शन एफ वाला ऑप्शन खत्म हो गया तो जी तो आएगा ही आएगा। क्लियर, अगर मैं बात करूं सेकंड ऑप्शन की तो यहाँ पे जेड लिखा हुआ है, जेड से एक्स चला गया 2 नंबर कम, एक्स से वी चला गया 2 नंबर कम, वी से आगे 2 नंबर कम जाएगा तो टी आएगा, तो ये जी टी बन जाएगा और यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, बी ऑप्शन। क्लियर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो जाता है कई बार पेपर के अंदर। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉइंग द पिक्चर ऑफ ए शिखा, पारुल सेड शी इज द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, हाउ इज द शिखा रिलेटेड टू पारुल। अगर जल्दी से आप लाइन पढ़ोगे तो समझ ही नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखो, जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, जिसने बोला है यहाँ पर पारुल ने बोला है, शिखा के बारे में बोला है, पारुल ने क्या बोला, पारुल ने बोला यहाँ पे माई वर्ड थे, तो यहाँ पर पारुल को खुद मना लो, यहाँ पे ध्यान रखना। अगर मैं पारुल की बात करूंगा तो पारुल ने बोला हुआ है ना, यहाँ पे माई लिखा हुआ है तो पारुल अपनी खुद की बात कर रही है। ठीक है, पारुल के यहाँ पर फादर का ओनली सन, तो पारुल का एक फादर है, पारुल का एक फादर है,
वो यहाँ पर उसका ओनली सन। तो ओनली सन क्या होगा, ओनली सन ये खुद भी हो सकता है पारुल। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, पारुल जो है वो मेल है फीमेल है, डायरेक्ट हम नाम से नहीं जज करेंगे कि पारुल फीमेल ही होगा, नो, हमें जज करना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ से शी इज द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर। भाई शी की बात हो रही है, शी किसके लिए यूज हुआ है, शी वर्ड यूज हुआ है शिखा का, तो शिखा मस्ट बी ए फीमेल, क्लियर है कहानी। और अगर मैं पारुल की बात करूं, पारुल का जेंडर हम नहीं डिसाइड कर सकते, वी कैन नॉट डिसाइड दैट दिस इज ए मेल और फीमेल, क्लियर है, ये ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूं यहाँ पर कि पारुल ने बोला यहाँ पर उसके फादर का ओनली सन है, तो पारुल मान लो एक लड़की है, इसका ओनली सन है, तो इसका एक और लड़का होगा, लड़के के लिए यहाँ पर मैं बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है, एक साइड में बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ पे उसने बोल दिया उसकी यहाँ पे ग्रैंड मदर है, अगर ये इस लड़के की ग्रैंड मदर है, अगर ये इस लड़के की ग्रैंड मदर है, मतलब इसके फादर की आगे फिर से मदर होगी, मदर कौन होगी, शिखा, तो यहाँ पे पारुल की भी क्या होगी, वो ग्रैंड मदर होगी या नहीं होगी, बताओ। तो इसका उत्तर क्या होगा, ग्रैंड मदर। मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से, ध्यान रखो यहाँ पे, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पारुल, पारुल ने क्या बोला यहाँ पे, पारुल ने बोला है कि जो उसके यहाँ पे फादर है, तो फादर के लिए अगर मैं एक सिंगल लाइन बनाऊंगा, इसका मतलब है गैप जनरेशन, और मेल के लिए यहाँ पर मैं बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है। पारुल के फादर का ओनली सन है, ओनली सन, अब की बार अगर आप पारुल मानना चाहते हैं मान सकते हैं, अदरवाइज कोई और नंबर मानना है वो भी मान सकते हैं। उसने बोला जो ये वाला पर्सन है इसकी ग्रैंड मदर है शिखा, इसकी ग्रैंड मदर है शिखा, तो इसके पेरेंट्स जो होंगे उसके पेरेंट्स ही होंगे ना ग्रैंड वाले, तो ग्रैंड मदर यहाँ पे शिखा यहाँ पे होगी, ठीक है, शिखा यहाँ पे होंगे, और अगर शिखा यहाँ पे है तो पारुल के फादर का भी तो यहाँ पे मदर होंगे, तो उसका भी क्या होगा, ये ग्रैंड मदर होगा, तो ये ऑप्शन आपका सही है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं, ये क्वेश्चन आपके पास पूछा गया, इसमें से डिफरेंट वन बताओ कौन सा होगा, ये टॉपिक का नाम है हमारे पास क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन जो टॉपिक है ये आपका वर्बल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग का क्लासिफिकेशन टॉपिक है, क्या करना है आपने, ऑड वन फाइंड करना है, ठीक है, हम ऑड वन को रीजनिंग में क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं इसको सीधा चेक करने की कोशिश करूँ तो मुझे यहाँ पे नंबरिंग आनी चाहिए, नंबरिंग कैसे, जैसे टी लिखा हुआ है, टी से एक नंबर कम करेंगे, एक नंबर कम करेंगे, एक नंबर कम करेंगे, ये एक सीक्वेंस बन गया। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, टी लिखा है, पी से एक नंबर कम करेंगे, ओ से एक नंबर कम करेंगे, एन एन से अगर एक नंबर कम करोगे तो यहाँ पे एम आना चाहिए था, एल आपका गलत कर गया, क्योंकि पी लिखेंगे, ओ लिखेंगे, एन लिखेंगे, तो आगे एम आएगा ना, अगर मैं एक एक नंबर कम करूंगा, तो ये आंसर है आपका गड़बड़ लगा है, या तो ये उत्तर होगा या ये होगा, फिर आगे वाला चेक करो, आगे लिखा हुआ है देखो एम, एम के बाद एल आएगा, यानी डिक्रीज हो रही है, फिर के का आ रहा है, फिर जी आ रहा है, ये भी ठीक लिखा है, और ये सारे के साथ से सारे के सारे पार्ट जो होंगे ये डिक्रीमेंट ऑर्डर में दे रखे हैं, चेक कर लो एक एक नंबर के, बट ये आपका डिक्रीमेंट यहाँ पे एम आना चाहिए था, यहाँ पे एल आ गया, दैट्स व्हाई बी ऑप्शन विल बी द डिफरेंट, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पे, एक और क्वेश्चन नंबर 6 आपका फिर से यहाँ पे ब्लड रिलेशन का पूछा गया है, एक्स इज ए मदर ऑफ ए, अगर मैं ए की बात करूँ यहाँ पे, ए की यहाँ पे मदर है, एक्स इज ए मदर ऑफ ए, ए यहाँ पर जो है ए की मदर कौन है, एक्स है, तो मदर के लिए फादर के लिए वर्टिकल लाइन लगाएंगे, फीमेल के लिए सर्कल लिखेंगे और यहाँ पे एक्स लिखेंगे, ठीक है। वाई इज द सिस्टर ऑफ बीज फादर, इसको साइड में लिख लेंगे कोई बात नहीं, ठीक है। आर इज द फादर ऑफ बी, इसको बाद में लिखेंगे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ए एंड जेड आर द सिस्टर, ए जो है ए फीमेल है, जेड भी फीमेल है, और ये सिस्टर है, सिस्टर के लिए मैं वर्टिकल लाइन लगाऊंगा, ये बात ध्यान रखना, ब्रदर सिस्टर के लिए वर्टिकल लाइन, और हस्बैंड अगर मैं बात करूँ पेरेंट्स के लिए या सन डॉटर के लिए तो वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। सर्कल के लिए यहाँ पर सर्कल डिनोट करेगा फीमेल को, बॉक्स डिनोट करेगा मेल को, ठीक है। अगर मैं आगे पढ़ूं, बी इज द ब्रदर ऑफ जेड, बी जो है जेड का ब्रदर है, तो वर्टिकल ये वाला लाइन आएगा आपके पास हॉरिजॉन्टल, तो अगर मैं बी की बात करूं, बी इसका यहाँ पे ब्रदर है, तो हम ऐसे बनाएंगे, जेड का ब्रदर है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, वाई इज द सिस्टर ऑफ ए बीज फादर, वाई इज द सिस्टर ऑफ ए बीज फादर, पहले बी का फादर बनाएंगे। आप सारे बच्चे ध्यान रखो, अगर मैं एक्स की बात करूं, ए जो है ए हमारे पास एक्स की डॉटर है अकॉर्डिंग टू द फिगर, और यहाँ पर ए एंड बी का ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, तो बी की यहाँ पर मदर एक्स होगी, और यहाँ पर उसने बोल दिया वाई इज द सिस्टर ऑफ बी फादर, तो बी का फादर जो होगा वो एक्स से शादी करेगा या नहीं करेगा, बस ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। बी फादर कौन होगा, हमारे पास वाई है, अगर मैं इस रिलेशन को ऐसे चेक करूँ तो भी ठीक है, अगर डायरेक्ट बनाना है तो भी ठीक है, आपकी मर्जी रहेगी, ठीक है। वाई इज द सिस्टर ऑफ बी फादर, मतलब वाई हमारे पास यहाँ पे सिस्टर है बी के फादर की, बी के फादर की वाई सिस्टर है, यहाँ पर सॉरी वाई नहीं आएगा, यहाँ पे कोई और नंबर आएगा, ठीक है। आर इज द फादर ऑफ बी, आर इज द फादर ऑफ बी, तो यहाँ पे आर आएगा, ठीक है। मैंने पूरा मतलब प्रॉपरली बताया, तो इसको टाइम लगा इतना, नहीं तो आप इसको एक लाइन के अंदर भी कवर कर सकते हैं, क्लियर। अब इसका आंसर चेक करके देखो आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पर देखूँ हाउ इज आर रिलेटेड टू एक्स, तो एक्स ने अगर आर को आवाज मारनी होगी तो क्या बोलेंगे,
एक्स ने अगर यहाँ पे आर को आवाज मारनी होगी यहाँ पे, तो यहाँ पर इसको हस्बैंड बोल देंगे, सीधा उत्तर आपका आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक और देखो, थोड़ा सा आपने आई होप पढ़ लिखा होगा ब्लड रिलेशन का, तभी वो क्वेश्चन आपके ऐसे वाले पॉसिबल है, नहीं तो ये क्वेश्चन थोड़े से आपको डिफिकल्ट या ट्रिकी लग सकते हैं। ठीक है, अगर मैं 7 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, टू पोजिशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, सेलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू द वन हैविंग द नंबर 5। 5 के ऑपोजिट पूछा हुआ है। ठीक है, अगर आपने कभी वन सिमिलर टू सिमिलर कभी रूल पढ़ा ही नहीं तो नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। क्या करना होगा इसके अंदर, जैसे ये पहली डाइस है, पहली डाइस में एक ऐसा नंबर उठाओ जो दूसरी डाइस में भी कॉमन दिखे, सिर्फ एक ही नंबर कॉमन दिख रहा है, दैट इज ए 5। तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे वन सिमिलर रूल लग जाएगा, वन सिमी बोल सकते हैं इसको, और मैं इसका नाम एक क्लॉकवाइज भी दे सकता हूँ, क्लॉकवाइज रूल, और इसको एंटी क्लॉकवाइज भी बनाया जा सकता है, आपकी मर्जी रहती है। ठीक है, वन सिमिलर और क्लॉक वाइज सेम है, दोनों में से कोई ऐसी फोटो उठा लो जो आपकी यहाँ पर सेम है, तो 5 उठा लिया। 5 के बाद आप इसको क्लॉक वाइज चेक करो, 5 के बाद जब मैं इसको ऐसे क्लॉक वाइज चेक करूंगा, 5 के बाद 4 आएगा, फिर 1 आएगा, तो इसके नीचे लिख देंगे सेम। ऐसे ही 5 के बाद इसको भी क्लॉक वाइज उठा लो, 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, पहले 2 आएगा, फिर आपके पास 6 आएगा, तो पहले 2 आएगा फिर 6 आएगा। दीज आर ऑपोजिट, 1 इज ऑपोजिट टू 6 होगा, 4 इज ऑपोजिट टू यहाँ पे 2 होगा, 5 इज ऑपोजिट टू 5 तो नहीं हो सकता, जो नंबर बच गया कौन 3, तो 5 इज ऑपोजिट टू 3 होगा, ये इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। एक और जिस बच्चे को नहीं पता चला पुराने वाला अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया था, आप उसको दोबारा से रिकॉर्डिंग में समझने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, आपको सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्लास हमारे पास है, क्लास के अंदर टोटल हमारे पास 11 स्टूडेंट है, एक क्लास के अंदर हमारे पास यहाँ पे टोटल 11 स्टूडेंट है, और यहाँ पे बॉयज कितने दे रखे हैं उन्होंने, यहाँ पे टोटल 6। अगर बॉयज 6 होंगे तो यहाँ पे गर्ल्स कितनी होंगी, फिर 5 होंगी टोटल, तभी तो 11 बनेंगे। और प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है दैट द क्लास मॉनिटर इज ए गर्ल, तो यहाँ पे फेवरेबल किसके केस कितने आएंगे, यहाँ पे गर्ल, गर्ल कोई भी हो सकती है, पांचों के पांचों केस बनाए जा सकते हैं आउट ऑफ टोटल। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है यहाँ पर, फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 5/11, तो ए ऑप्शन आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक और इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि यहाँ पर आपके पास फिलर आपने बताना है कि कौन सा हम ऑप्शन ऐसे फिल करें और ये कंप्लीट आपकी सीरीज बना दे। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपके आसान टॉपिक होते हैं, बट कभी यार कई बार होता है बच्चों को इसका लॉजिक नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ पर ए बी सी 3 नंबर का लॉजिक होगा, ए बी सी डी 4 नंबर का लॉजिक होगा, ए बी सी डी ई 5 नंबर का, इनमें से कोई भी हो सकता है, ऑप्शन आपका 6 नंबर का लॉजिक भी आ सकता है। तो पहली प्रिपेयर रखो अपने आपको कि 6 या 5 कोई भी लॉजिक बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका लॉजिक कौन हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं पहला ऑप्शन उठाऊं तो पहले में सी आएगा, दूसरे में मेरे पास ए आएगा, तीसरे में मेरे पास यहाँ पर फिर से सी आएगा, फिर हमारे पास यहाँ पे डी आएगा, फिर हमारे पास यहाँ पे सी आएगा, फिर हमारे पास यहाँ पे ए आएगा, और फिर लास्ट में हमारे पास डी आएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन फिल कर दिया, फिल करते चेक करने की कोशिश करो क्या कोई सीक्वेंस बना। देखो यहाँ पे सी बी लिखा हुआ मिल रहा है, फिर सी ए लिखा मिला है, तो डी ए फिर ए बी, यहाँ से कोई लॉजिक नहीं बना, 8 तक मुझे कोई लॉजिक नहीं मिला कि जो आपका रिपीटेशन करे। मान लो 8 तक नहीं भी मिला, आगे आगे चेक कर लो, आगे हमारे पास डबल सी ए टी सी कोई लॉजिक नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑप्शन एलिमिनेट, तो ये सोचना पड़ेगा आपको पेपर के अंदर, ऐसा नहीं है कि आपने रट लिया आंसर आ गया हो, आपको सोचना पड़ेगा वहां पे भी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके पास हमने लगता है लास्ट में कुछ गड़बड़ किया, हम दोबारा से इसको फिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना 2 ब्लैंक है। ठीक है, मैंने शायद मिस कर दिया, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पर ए आएगा, ये आएगा। ठीक है, दोबारा से कर लो, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे मेरे पास सी आएगा, ये भी डबल ब्लैंक है, और यहाँ पर ए और बी है, यहाँ पर हमारे पास ए और बी है, ये डबल ब्लैंक यूज होगा। ऐसे फिल करके देखो तो ये आपका उत्तर आ जाएगा, पेपर में आपको क्लियर होगा, ये तो मैंने यहाँ पे बनाते टाइम लगता है मैंने मिस मैच कर दिया, बट आप ध्यान रखना एक के लिए एक, डबल के लिए डबल फिल करेंगे। ठीक है, अब लॉजिक चेक करो, सी ए डी डबल सी डी, यहाँ तक कोई लॉजिक बना नहीं बना, सी ए बी सी सी डी, फिर आगे देखो डबल ए बी सी डी सी, हाँ ये वाला लॉजिक बना, यहाँ पे डबल ए यहाँ पे डबल सी है, ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा, तो ए ऑप्शन आपका एलिमिनेट है। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन उठाना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन पहले डबल ए आएगा, फिर हमारे पास एक सी ये वाली, फिर एक सी ये वाली आएगी यहाँ पर, और एक डी हमारे पास ये आ जाएगा, और ए एंड बी हमारे पास यहाँ से उठा लोगे, ए यहाँ से उठा लेंगे बी यहाँ से। क्या इसका लॉजिक बन रहा है, चेक कर लो, डबल ए बी सी सी डी, यहाँ से आप 3 का 6 का लॉजिक बना लो। ठीक है, डबल ए बी सी सी डी, यहाँ पर देखो डबल ए बी सी सी डी, फिर हमारे पास यहाँ तक लॉजिक बन गया, आगे देखो डबल ए बी सी सी डी, तो ये लॉजिक बन गया, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, बाकी पेपर के अंदर आपको सारे ट्राई करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 10 नंबर ही है।
ये आपका फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन आ चुका है। मैंने बताया ना एनालॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्यों? क्योंकि आपको ए का अगर जो रिलेशन बी के साथ है वो रिलेशन आपने सी का डी के साथ ढूंढना है, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है आपके पास एल है, एल से हमारे पास ओ चला गया, एल से ओ चला गया तो यहाँ पे तीन नंबर बढ़ गए। अगर ए है तो हमारे पास एक्स चला गया तो तीन नंबर कम हो गए। एम हमारे पास पी में चला गया, तीन नंबर बढ़ गए। और ई हमारे पास पी में चला गया, तीन नंबर कम हो गए। तो वही रिलेशन यहाँ पे लगा देंगे। टी लिखा हुआ है, टी के अंदर अगर मैं तीन नंबर बढ़ा दूंगा, टी के अंदर तीन नंबर बढ़ाओगे तो डब्ल्यू आएगा। डब्ल्यू वाला एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यही आपका उत्तर है। बट आप सारे ऑप्शन यहाँ पे जरूर ट्राई करें। जैसे आर है, आर में अभी यहाँ पे प्लस थ्री हो चुके हैं, फिर आगे माइनस थ्री होगा। आर में तीन माइनस करोगे ओ आएगा। ई के अंदर फिर आप तीन नंबर एड करोगे, हमारे पास यहाँ पे एच आएगा। ई के अंदर फिर तीन नंबर माइनस करोगे तो यहाँ पे बी आएगा। दैट्स वाई थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे 11 के ऊपर। ये टॉपिक आपके पास पूछा हुआ है रोटेशनल के ऊपर, एम्बेडेड मेज। एम्बेडेड मेज का क्वेश्चन आजकल जो पूछने लग गया, वो बोला जा रहा है कि रोटेशन इज नॉट अलाउड। पहले लिखा नहीं होता था बट आजकल लिखा हुआ है, ठीक है? अगर रोटेशन अलाउड नहीं है तो आपको ये ऑप्शन खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि ये आपकी फोटो सेम एज इट इज कहाँ पे है। अगर मैं एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, अगर एम्बेडेड का मतलब जानोगे तो ये फोटो आपकी डायरेक्ट यहाँ पे कहाँ पे है वो आपने बताएंगे, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे ये ऑप्शन देखूँ, ये तो एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि ये फोटो तो सीधी यहाँ पे बना ही नहीं सकते हम। अंदर वाला ये वाला पार्ट चेक कर रहे हैं ना, हमने यहाँ पर ये वाला पार्ट चेक करना है, ये बात ध्यान रखें, ठीक है? अगर मैं बात करूँ सर पहला ऑप्शन, भाई पहला ऑप्शन में ये तो चलो ठीक है, ये तो हमारी लाइन ठीक है, ये भी लाइन ठीक है, यहाँ से ये भी लाइन ठीक है। बट यहाँ से हमारी ये लाइन यहाँ पे जुड़नी चाहिए थी ना, ये यहाँ पे जुड़ नहीं रही, ये लाइन यहाँ पे जुड़ नहीं रही, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है? सर लास्ट ऑप्शन वो भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास होगा यहाँ पे थर्ड, थर्ड मस्ट बी द राइट आंसर। कहानी चेक कर सकते हैं आप सारे बच्चे यहाँ पे, यहाँ से ये फोटो बनाई जाएगी विदाउट रोटेशन, ये आपका उत्तर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसके अंदर भी पेयर सिस्टम आपसे पूछा जा रहा है, और ये डिफरेंट वन है। तो डिफरेंट वन टॉपिक को नाम क्या देते हैं हम यहाँ पे? क्लासिफिकेशन, मैंने बताया भी था। तो क्लासिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अगर मैं यहाँ पर 7 और 50 की बात करूँ तो मुझे पता है 7 के स्केयर के आसपास ही आपके पास जो आ रहा है 50 आ रहा है, ठीक है? 7 का स्केयर कितना होता है 49, उसके अंदर 1 ऐड करेंगे 50। जैसे 4 है तो 4 के स्केयर के आसपास ही 17 आ रहा है, चेक कर लो। 4 का स्केयर कितना होता है 16, 16 के अंदर 1 ऐड करेंगे 17। वैसे जब 6 का स्केयर करेंगे तो 36, 36 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो 37 आना चाहिए था ना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 35 नहीं 37 होगा। जैसे 5 आपके पास है तो 5 का स्केयर प्लस 1 करेंगे तो आपका 26 आ रहा है। ऐसे 6 का स्केयर प्लस 1 करोगे तो यहाँ पे 37 आना चाहिए था, इसकी वजह से आपका सी ऑप्शन डिफरेंट है, क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। 13 नंबर क्वेश्चन आपका फिर से एक बार एनालॉजी से इंटरलिंक है कि ये वाला पेयर बताओ कहाँ पे बन रहा है, ठीक है? काफी बच्चे इस क्वेश्चन को पेपर में नहीं कर पाते कई बार, ठीक है? कुछ बच्चे इसको देख ही कर लेते हैं, जजमेंट है आप कितना फास्ट समझ पाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखो एक रिलेशन तो ये हो सकता है, जैसे 9 लिखा और 8 लिखा, 9 और 8 को मल्टीप्लाई कर दो 72, 72 को कुछ ना कुछ जोड़ घटाओ मल्टीप्लाई करो 217 आना चाहिए। और जो आपने किया वही रिलेशन बाकी में चेक करके देखो क्या मिडल नंबर आ रहा है, अगर आ गया तो वही आपका उत्तर होगा, नहीं तो लॉजिक और होगा, ठीक है? तो यहाँ पर अगर ये लॉजिक आपका नहीं लगा तो याद रखना जब भी ये नंबर आएगा इसका स्केयर या क्यूब का लॉजिक बनेगा ही बनेगा, ये बात आप अभी नोट कर सकते हैं। यहाँ तो ये 9 का स्केयर, यहाँ पे 8 का स्केयर, इसका माइनस प्लस कुछ ना कुछ तो होगा कि 217 आ जाए, या फिर इनका क्यूब का डिफरेंस चेक करो आपका 217 यहाँ से निकल के आ जाएगा, ये इसका रिलेशन है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे 4 का क्यूब करूँ तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पे 64, और यहाँ पे अगर मैं 3 का क्यूब करूँ तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, दोनों को माइनस करेंगे 37 आ भी रहा है, तो ये 37 आपका नंबर आ भी रहा है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया, तो ये ऑप्शन आपका उत्तर है। बाकी कोई यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप सारे ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं यहाँ पे। ये आपका फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ई हमारे पास जो रिलेशन आई से लेकर आएगा वही रिलेशन आपका एल का आगे जाएगा। जैसे मैं ई से लेकर आई तक की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 4 नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो एल के अंदर भी अगर मैं 4 नंबर का इंक्रीमेंट करूंगा तो हमारे पास पहला वर्ड पी आएगा, तो पहला वर्ड एम नहीं आ सकता, ये ऑप्शन एलिमिनेटेड, ये ऑप्शन ऑल्सो एलिमिनेटेड, ठीक है? अगर मैं ए से यहाँ पर ई तक आना चाहता हूँ तो यहाँ पे 4 नंबर का इंक्रीमेंट होगा। ऐसे ही ए से लेकर अगर मैं ई तक यहाँ पे 4 नंबर, अगर यहाँ पे 4 नंबर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी 4 ही नंबर बढ़ेंगे। ई के अंदर 4 नंबर ऐड करोगे तो कौन सा आएगा, यहाँ पर ए के अंदर 4 नंबर बढ़ाओगे तो पी के साथ ई आएगा, तो पी से बी वाला ऑप्शन जो है ये आपका एलिमिनेट हो गया, ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, एक ही ऑप्शन बचा, ये आपका उत्तर है, ठीक है? पर फिर भी हमें आगे चेक करना पड़ेगा, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एस है तो यहाँ पे टी लिखा हुआ है तो एक नंबर बढ़ गया यहाँ से, तो के हमारे पास लिखा हुआ है, के के अंदर अगर एक नंबर बढ़ा दोगे तो यहाँ पे एल आ जाएगा, ठीक है? वाई हमारे पास है तो जेड चला गया, एक नंबर बढ़ गया, तो ई हमारे पास है, एक नंबर बढ़ा दोगे तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्लियर?
चलते हैं यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया है, किसी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर NIB को NIB को 112 लिखा गया है और उसी लैंग्वेज के अंदर आपके पास COB को 122 लिखा गया है, तो बताओ उसके अंदर जेट को क्या लिखा रहेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इसकी नंबरिंग पता होना चाहिए, रिवर्स एंड इनवर्स दोनों, ठीक है, सीधी भी और इनवर्स वाली भी, ठीक है। कौन कौन सी होती है ध्यान रखो, अगर मैं आपके पास यहाँ पे लिखूं कि ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी, और आप तो सॉन लास्ट तक मैंने लिखा यहाँ पर एक्स वाई जेड, एबीसी लिखी पूरी। एबीसी के अंदर अगर फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा, तो लास्ट में ये आएगा हमारे पास 24, ये आएगा 25 और ये आएगा 26, क्लियर। अगर मैं यहाँ पर आपको लास्ट से पूछू, लास्ट से बताओ तो 1 2 3, ये हमारे पास आगे नंबरिंग कितनी आ जाएगी, 26 25 24 और ये 30। ये दो नंबरिंग आप सभी बच्चे याद रखेंगे अल्फाबेट की, जो पेपर में काम आएंगी। मतलब ए को अगर मैं फ्रंट से देखूंगा तो ए नंबर है, वन नंबर है, और लास्ट देखेंगे तो ए हमारा 26 नंबर है। हमें याद कैसे होगा, इन दोनों का पेयर सिस्टम होता है, तो पेयर सिस्टम इसका कितना निकल के आएगा, 27 निकल के आएगा। किसी भी नंबर का उठा लो, 2 और 25 का भी 27 आएगा, 3 और यहाँ पे 24 का भी आएगा, 4 और यहाँ पे 23 का भी आएगा, 24 और 3 का भी आएगा, हर एक नंबर का 27 का लॉजिक आएगा, तो इसको बोलते हैं 27 का पेयर, 27 का पेयर। इसके शॉर्टकट भी हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखूंगा, एक वर्ड आएगा मेरे पास एल, तो एल हमारे पास 12 नंबर होता है, तो ओ हमारे पास यहाँ पे 15 नंबर होता है, ठीक है। तो अगर मैं 12 का रिवर्स पूछू तो 15 होगा, अगर पीछे से एबीसी लिखोगे तो यहाँ पे ओ आएगा, तो एल का पेयर हमारे पास ओ से बनेगा। ऐसी अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर ई का पेयर, ई हमारे पास 5 होता है, तो पीछे से लिखेंगे तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 22, तभी तो 22 और 5 27 बनेंगे। 22 पे कौन सा नंबर होता है, वी, और V एंड E का पेयर बनेगा, V और E को साथ में लिखोगे तो ये एक पेयर सिस्टम बन जाएगा जो आप याद करने के लिए काम में ले सकते हैं, ठीक है। ऐसी आपने यहाँ पर PK मूवी देखा होगा, तो P एंड K का पेयर है, ऐसी GT रोड का भी पेयर है, तो ऐसे और भी पेयर है, ठीक है। बट तो आप सारे पेयर नहीं याद करो, आपको सिर्फ मैं इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ, तो कंसेप्ट जो बता रहा हूँ वो याद रखें, ठीक है। बाकी ये वर्ड आपके याद करने के लिए, जैसे आपको किंग्स 11 पंजाब, किंग K से आपके पास 11 नंबर होता है, किंग्स 11, ठीक है। राइट टू वोट हमारे पास 18 होती है, Under 21 वर्ल्ड कप, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप, ये सारे G7 ग्रुप सबने पढ़ा हुआ है, तो ये कुछ कॉमन है जो आप सारे बच्चे याद कर सकते हैं इनकी नंबरिंग के, ठीक है। एक इजॉटी वर्ड बहुत फेमस है, इजॉटी, इजॉटी हमारे पास 5 का मल्टीपल होता है, ये 5, ये 10 और ये 15 और ये 20 और ये 25, ठीक है। तो ये वर्डिंग याद करने के लिए कि अगर मैं बात करूँ ई कौन से नंबर पे आएगा, 5 पे आएगा, वाई कहाँ पे आएगा, 25 पे आएगा, ओ कहाँ पे आएगा, 15 पे आएगा, ठीक है। अगर आपको ये पेयर पता है तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो इसको दो सिस्टम से किया जाएगा, या तो सीधी एबीसी या फिर इसकी रिवर्स एबीसी, ठीक है। अगर मैं इसकी रिवर्स एबीसी, आप सीधी एबीसी एक बार ट्राई करो, अगर मैं इसकी रिवर्स एबीसी लिखूं तो एन हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट सीधा देखोगे तो 14 नंबर आएगा, अगर मैं रिवर्स से देखूंगा तो ये मेरे पास 13 नंबर आएगा। आई को अगर मैं रिवर्स फर्स्ट से देखूंगा तो 9 आएगा, 9 को साई में माइनस करोगे तो पीछे से 18 नंबर पे होगा। बी हमारे पास फर्स्ट से 2 नंबर होगा, पीछे से हमारे पास 25 पे होगा। अगर मैं सबको यहाँ पे ऐड करूँ तो कितना नंबर आएगा, 3 और 8 11 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16, 1 कैरी जाएगा, 1 कैरी जाकर ये 56 होगा, और जो इनको ऐड करने पे आया अगर मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो 112 बनेगा, ठीक है। अब हो सकता है किसी बच्चे को लगे सर बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, यही पैट क्वेश्चन है, बार बार हर साल पूछा जा रहा है, तो इस चीज को रटना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अगर आप इसकी बात करो तो सी हमारे पास पीछे से 24 नंबर होगा, ओ हमारे पास यहाँ पर पीछे से 12 नंबर होगा, अभी बताया था एल और ओ का पेयर, ठीक है, एल हमारे पास 12 होगा, यहाँ पर जो बी है वो फ्रंट से 2 होगा, पीछे से 25 नंबर होगा, सबको ऐड करो, सबको ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो ये भी नंबर आपका 122 यहाँ पे बन के आ जाएगा, ठीक है। यही लॉजिक आप यहाँ पे लगा के देखो, जैसे जे है, जे फ्रंट से आपका जे नंबर जो होगा 10 होगा, पीछे से हमारे पास ये नंबर 17 होगा, ई हमारे पास यहाँ पर पीछे से जो होगा पीछे से 22 नंबर होगा, टी हमारे पास रिवर्स सिस्टम में बात करें रिवर्स में ये 7 नंबर पे होगा, ठीक है। सबको ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 2 करेंगे, 7 और 2 11 11 और 7 18, 8 आएगा यूनिट डिजिट, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट डिजिट आपका 9 होगा, इसको मल्टीप्लाई करके चेक करो 109 ही आएगा, ए ऑप्शन आपका ठीक, ठीक है। आई होप सबको जो मैं बताना चाह रहा था वो समझ आ चुका होगा। अगर रुको मैंने गलत लिखा है, शायद शायद 7 और 2 हमारे पास ठीक है, 7 और 2 यहाँ पे 9, 9 और 7 हमारे पास यहाँ पे 16 आएंगे, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 2 आएगा, ये 102 आएगा, सॉरी ये आपका आंसर गलत है, ये आपका ठीक है, ठीक है। फिर
फिर भी आप इसको एक बार जोड़ घटाव करके चेक कर लो, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किया नहीं है, मैंने ऐसे ऐड कर दिया। कर ही लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको कर लेते हैं। ठीक है, 7 और 2 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 6 1 कैरी जाएगा, ये हो जाएगा 2, 2 एंड 2 4, 4 हमारे पास रहेगा। 46 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उत्तर यहाँ पे, ये भी कैंसिल हो गया, 92 आ रहा है। तो ये आपका सही उत्तर। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसमें यही बताना चाह रहा था, कभी भी आप इसको ऐसे मिक्स मत कर देना, मिक्स मत कर देना, आपको पूरा सोल्यूशन फाइंड करना है और इतनी कैलकुलेशन से बचना नहीं है, इससे बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। ठीक है, हो सकता है जैसे मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन लगा के आगे चला गया था, आप भी ऐसे पेपर में गलती करो। ठीक है, तो कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो इसको आप ध्यान रखना, आप पेपर के अंदर ऐसी गलतियों को ना दोहराएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि इनको हमने एक सीक्वेंस के अंदर लिखना है, जो हमारे पास नीचे दे रखे हैं और सीक्वेंस भी दे रखे हैं एबीसीडी वाले। ठीक है, आप सब बच्चों को पता होगा, सबसे पहले यहाँ पर देखो ऑप्शन से उठा लो, पहले थाई आएगा या फिर फेस आएगा। सर पहले अगर मैं यहाँ पर ऊपर से चेक करूँ तो पहले फेस आएगा, अगर नीचे से चेक करूँ पहले थाई आएगा। तो यहाँ पर ये रिवर्स होगा इनवर्स होगा हमें नहीं पता, बट हमें भाई ऑप्शन चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये ऑप्शन इसको चला के देखो, ये नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चे को पता होगा पहले हमारे पास फेस आएगा, पहले फेस आएगा उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक आएगा, पहले हमारे पास 5 नंबर होगा उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर आएगा, नेक के बाद क्या आएगा ये वाले ऑप्शन देखो, 5 6 5 6 5 6। ठीक है, फिर 3 आएगा या 1 आएगा, तो पहले शोल्डर आएगा या फिर स्टोमच आएगा। तो आपके पास पहले शोल्डर आएगा, स्टोमच बाद में आएगा, तो पहले आपका 1 आएगा। तो ये 1 वाला ऑप्शन भी गया, ये भी हमारे पास क्लियर। फिर ये ऑप्शन तो वैसे के लिए गलत हो गया, यहाँ पे 3 नहीं आ सकता, 1 आएगा। फिर हमारे पास 4 आएगा या 2 नंबर आएगा, तो हमारे पास पहले थाई आएंगे या चेस्ट आएगी, भाई पहले आपके पास चेस्ट आएगी उसके बाद ही आगे कुछ बन पाएगा। ठीक है, फिर चेस्ट आएगी, फिर स्टोमच आएगा, फिर थाई आएगी, तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1 कहलाएगा, दैट इज द रियल आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। चलते हैं अभी यहाँ पे 17 नंबर के ऊपर, ये क्वेश्चन आपके पास वेन डायग्राम के ऊपर है। हर एक बच्चे को पता होगा यहाँ पे चंडीगढ़ जो है वो इंडिया के अंदर है, तो इंडिया के अंदर है चंडीगढ़ तो ऐसे बनेगा, और यहाँ पर ये हमारे पास एक अलग कंट्री है, ये हमारे पास एक अलग कंट्री है, तो ये बाहर बनेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, जो जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कवर करना पड़ेगा क्वेश्चन को। सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो पहले जो जैसे लिखा हुआ है वर्ड्स, जो आपके पास डिजिट है उनको वैसे लिख लो, कोई इशू नहीं पड़ता। ठीक है, 4 3 3 2 3, क्लियर। और जहां पे ब्रैकेट है, क्योंकि ब्रैकेट से कोई लेन देन नहीं कर रहे, तो ब्रैकेट जैसे जैसे दे रखी है उसको आप वैसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लिख लिया मैंने, फिर ऐसे बना ली ब्रैकेट यहाँ पे, फिर मैंने ऐसे बना ली, फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट मैंने बना लिया, फिर इसको भी मैंने ब्रैकेट में रख लिया, इसको भी ब्रैकेट में रख लिया, और इसको भी ब्रैकेट में रख लिया। ठीक है, आगे जो जो पोजिशन आपके पास दे रखी है उसको चेंज कर लो। जैसे आपके पास प्लस का आइकन है, उसको मैं यहाँ पे डिवाइड से यूज करूंगा, तो प्लस का आइकन हमारे पास यहाँ पर ये रहा, ये हमारे पास कहाँ गया आएगा यहाँ पे, और इसका मतलब क्या होगा, डिविजिबल। तो यहाँ पे आपका डिविजिबल का आइकन आएगा। ठीक है, आगे आपके पास देखो और कहीं पे प्लस है, कहीं नहीं है, तो फिर लिखा माइनस, माइनस को ऐड लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे एडिशन लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हम एडिशन लिखेंगे। आगे हमारे पास जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उसका मतलब है यहाँ पे माइनस करना, तो मल्टीप्लाई हमारे पास है उसको माइनस यूज कर लेंगे, और तो कहीं नहीं है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है हमारे पास जो डिविजिबल का आइकन है उसको मल्टीप्लाई करना, डिविजिबल का आइकन यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे डिविजिबल का आइकन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर आगे क्या लगाएंगे हम, बॉर्डर मार्क। तो ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है और इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको आपको ऐसे ही करना होगा। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, 32 में से अगर मैं 24 को माइनस करूंगा 8 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, फिर टोटल कितना हो जाएगा 20, और 20 को अगर मैं यहाँ पर 5 से डिवाइड करूंगा, 20 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 4 आएगा, और 4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उत्तर कितना आएगा 12। तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे अभी 19 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कई बार ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है, और कई बार मैंने देखा है बच्चे इसको भी गलत करते हैं। ठीक है, जब मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ कई बार बच्चे इसका आंसर गलत करते हैं, बट आप इसका आंसर बिल्कुल सही करें, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो, जब हमारे पास इस पेपर के अंदर इसने फोल्ड किया, पेपर को इधर को फोल्ड किया जा रहा है, फिर बाद में जब पेपर को फोल्ड किया, फिर यहाँ से उठा के इधर को, बाद में हमने ये कट लगा दिया, जब कट को अनफोल्ड करोगे पेपर आपका कैसे दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले आपके पास ये ट्रायंगल आपके पास ऐसे दिखेगी, क्योंकि जब मैं अनफोल्ड करूंगा ट्रायंगल का इनवर्स फॉर्मेट ऊपर जाएगा ना, तो ट्रायंगल आपकी सिमिलर टू सिमिलर तो रहने रही, ये तो आपका ऑप्शन वैसे गलत है। यहाँ पे ट्रायंगल आनी चाहिए इसके साथ ही, ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे ट्रायंगल आनी चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है, बचा डी ऑप्शन ही आपका उत्तर होगा। सारा हमने चेक भी नहीं किया, एक पोजिशन से हमने आंसर फाइंड कर लिया। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे 19 नंबर के ऊपर, 20 नंबर के ऊपर क्वेश्चन के ऊपर। ये आपके पास एक मिरर में पूछा गया, मिरर में सिंपल होता है, जैसे बी लिखा तो बी का मिरर ये होगा, अगर सी लिखा तो सी का मिरर ये होगा। जैसे इसका मिरर पूछ लिया, तो इसका मिरर क्या होगा भाई, अगर मैं इसको बनाऊंगा तो हमारे पास ये लाइन ऐसे बनेगी,
हमारे पास ये डार्क वाला सर्कल है ये पहले आएगा, डार्कनेस वाला सर्कल पहले आएगा और ये लाइन हमारे पास कुछ ऐसे जुड़ेगी, ठीक है। डार्क वाला सर्कल पहले कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये आपका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका आंसर बी सही रहेगा, ठीक है। 21st के ऊपर चलते हैं। 21st नंबर क्वेश्चन आपका फिर से एनालॉजी के अकॉर्डिंग है कि जो यहाँ पर पेयर बनेगा वो आगे बताओ कहाँ पे पेयर बन रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा नंबर आए ना इनको मल्टीप्लाई कर दो, उठा के बड़े नंबर के आसपास ले जाओ, जैसे 5 और 6 को मल्टीप्लाई किया 30 बन गया, मुझे पता है यहाँ पर 30 का डबल के आसपास है तो इसको डबल कर दिया, डबल करने के बाद 1 ऐड करेंगे तभी तो 61 आएगा, वही चीज यहाँ पे करनी पड़ेगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 नहीं 24 का डबल के आसपास आना चाहिए था, ये लॉजिक गलत है, ये कितना आ जाएगा 36, ये लॉजिक गलत है क्योंकि 72 के आसपास आना चाहिए था, इसको मल्टीप्लाई करो 5 एंड 2 कितना आ जाएगा 10, 10 को फिर से 2 से करना पड़ेगा क्योंकि जो लॉजिक यहाँ पे वो यहाँ पे भी होना चाहिए, तो ये 21 आ रहा है, ये भी नहीं बनेगा हमारे पास, तो ये हमारे पास चेक कर लेते हैं यहाँ पे 3 इंटू 4 हमारे पास यहाँ पे 12, 12 इंटू 2 करोगे 24, 24 के अंदर 1 ऐड करोगे 25, ये लॉजिक आपका बिल्कुल सही जा रहा है और 25 आंसर भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये लॉजिक आपका यहाँ पे सही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं अभी। 22 आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछा गया कि एल का अगर मैं कोड ओ रख दूं तो ओ का कोड यहाँ पे एल रख दूं तो ये सारे के सारे कोड रखने के बाद ग्लोबल का कोड क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं, मैंने बताया था ना अभी अभी पेयर सिस्टम, पेयर सिस्टम क्या कि अगर एल का नंबर 12 होगा, 12 में क्या ऐड करो 27 बनेगा, 15 तो 15 नंबर ये रहा, ओ हमारे पास 15 है, 15 में क्या ऐड करें एल बन जाए 12, 12 आपके पास 27, ये सी हमारे पास यहाँ पे थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर के अंदर अगर 24 ऐड करोगे 27 बन जाएगा तो एक्स आपका 24 होता है, तो सारे के सारे ना ये पेयर सिस्टम वाली मैंने बताए जो थे वही लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे जी हमारे पास है, जी हमारे पास यहाँ पे नंबर होता है 7, 7 के अंदर अगर मैं 27 बनाना चाहूँ तो मुझे 20 की रिक्वायरमेंट है, 20 के ऊपर टी होता है तो टी वाला ऑप्शन ये रहा, यही इसका आंसर है करेक्ट आंसर, बाकी तो कहीं पे टी आया ही नहीं पहले ऑप्शन में, ठीक है। बट फिर भी अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जैसे एल लिखा हुआ है तो L तो यहीं से उठा लेते हैं, ये L का O आएगा कोड, तो L का कोड यहाँ पे भी O आएगा, यहाँ पे आपके पास आगे L लिखा हुआ है L का कोड O आएगा, यहाँ पे लास्ट में L लिखा हुआ है तो लास्ट का L का कोड भी O आएगा, तो डबल O आपके पास यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। A का कोड आपको पता चल जाएगा Z होगा, B का कोड हमारे पास यहाँ पे से एक नंबर पीछे होगा Y होगा, O का कोड हमारे पास यहाँ पे L, अगर L का कोड O है तो O का कोड L होगा, तो ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे 23 नंबर की। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आगे वाली सीरीज बताओ क्या होगी, ठीक है। सीरीज बताने के लिए आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, जैसे 7 लिखा और यहाँ पे 16 लिखा तो इनका डिफरेंस ले लो कितना आ रहा है 9, इनका डिफरेंस ले लो कितना आ रहा है 18, इनका डिफरेंस ले लो यहाँ पे 36, तो मुझे दिख रहा है इसका डबल हो रहा है, 18 का भी डबल हो रहा है, यहाँ पे आपके पास 36 का डबल होगा कितना आ जाएगा यहाँ पे 72, तो 70 के अंदर अगर मैं 72 को ऐड करूंगा तो इसका उत्तर क्या आएगा 142 आएगा, और अगर मैं 72 का डबल कर दूंगा 144 इनका गैप आ जाएगा, तो इनको अगर मैं ऐड करूंगा ये कितना हो जाएगा हमारे पास 682 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 142 एंड 286, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द मस्ट बी द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया कि इसके आगे वाला नंबर क्या रहेगा, ठीक है। आप सारे बच्चे ध्यान से देखना, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पाए तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा जैसे 1 2 3 तो इसके आगे वाला नंबर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। आप देखो एरो एक बार आपके पास ये वाला एरो एक बार ऊपर को देख रहा है, एक बार नीचे को देख रहा है, एक बार ऊपर को देख रहा है, तो आगे एरो नीचे को देखेगा तो नीचे वाला एरो या तो ये रहा, ये लेफ्ट वाला गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत है, नीचे वाला एरो ये रहा, ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है। फिर एरो देखो जो साइड वाले हैं, साइड वाले एरो दोनों सेम डायरेक्शन में है, अगर दोनों डायरेक्शन देख रहे हैं तो ऊपर को देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों राइट साइड को देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों नीचे को देख रहे हैं, अगर पहले ऊपर को है फिर राइट साइड को है फिर नीचे को है फिर आगे लेफ्ट साइड को देखेंगे तो लेफ्ट साइड वाले में यहीं पर फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन में ये आपका आंसर ठीक है, क्लियर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 25 के ऊपर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है। अगर मैं बात करूं सिलॉगिज्म की, सिलॉगिज्म आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, काफी बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी बच्चों को इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसका वेन डायग्राम, आल पैरेट, सारे के सारे पैरेट जो है वो पेगन होंगे, सारे के सारे पैर जो होंगे वो पी आई जी लिख लेते हैं, ठीक है। नो पी आई जी आर टेबल, नो पी आई जी आर टेबल, तो वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, सारे के सारे पैरट्स आपके पास पी आई जी और कोई भी पी आई जी हमारा टेबल नहीं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पहली ऑप्शन की, ये वाली कंक्लूजन की, ऑल पी आई जी आर टेबल, हमें पता ही है यहाँ पर कोई भी पी आई जी टेबल नहीं है, तो हाउ वी कैन से ऑल पी आई जी आर टेबल, जब पी आई जी टेबल है ही नहीं तो हम इसके बारे में बिल्कुल गलत करेंगे इसको, ये तो गिवन था हमें, ये तो गलत हो गया। नो पैरट इज ए टेबल, कोई भी पैरेट टेबल नहीं है बिल्कुल, अगर पी आई जी टेबल नहीं है तो पी आई जी के अंदर पैरेट है, पैरेट टेबल में बिल्कुल नहीं जाएगा, दैट इज टोटली ट्रू, मतलब डी ऑप्शन आपका उत्तर इसका सही रहेगा, क्लियर। आई होप।
एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बलविंदर लाइव। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी टीएचएसएल एग्जाम के बारे में। अभी मैंने इससे पहले एसएससी के रिलेटेड कुछ 3-4 वीडियो अभी अपलोड किए इस चैनल के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको एसएससी के बारे में 12 अक्टूबर 2020 के जो मॉर्निंग शिफ्ट था उसका मैंने कम्प्लीट एनालिसिस बताया। अगर आपने वो 4 वीडियोज नहीं देखी तो उनको जाकर आप रिकॉर्डिंग सेशन में कवर कर सकते हैं, और आने वाले टाइम के अंदर आपको काफी कुछ यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल के अंदर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज्वाइन कर लो और अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कर दो। और यहाँ पर आपको सबसे एक और न्यूज बता देता हूँ, इससे पहले मैंने कुछ सीसेट के एग्जाम और कुछ आपके आईबी के पीवाईक्यू, और उससे पहले मैंने आपको यहाँ पर सीएपीएफ के पीवाईक्यू अपलोड करवाए हैं इस चैनल के अंदर। उसका आप जरूर कंटेंट चेक करें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छे टाइप के क्वेश्चन है सीसेट के, सीएपीएफ के और आईबी के। ठीक है, मैथ रीजनिंग ओवरऑल क्लियर, तो वो सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, वहां पे जाके आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आज हम डिस्कस करेंगे आफ्टरनून शिफ्ट जो था 12 अक्टूबर का 2020 का, उसका सेकंड शिफ्ट के बारे में प्रॉपर एनालिसिस करेंगे एसएससीएचएसएल का। तो यहाँ पर ये हमारी क्लास नंबर होगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो टोटल हमारे पास 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन आए थे, तो सभी का हम यहाँ पे इस सेशन के अंदर प्रॉपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:2। अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल की बात करूंगा तो रेक्टेंगल हमारे पास कुछ ऐसा होगा, और अगर आपको नहीं पता रेशियो के साथ हमेशा हमारे पास एक एक्स नंबर मल्टीप्लाई होता है जिसको कट करके रेशियो बनाई जाती है। क्लियर, तो जो बड़ी वाली साइड है वो 5x है, छोटे वाली साइड को 2x ले लेंगे, और लिखा हुआ है जो लेंथ है वो यहाँ पर बड़े वाली है और ब्रेथ हमारे पास छोटे वाली है। ठीक है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, आपको इसका पेरीमीटर पता होना चाहिए। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ दैट रेक्टेंगल। क्लियर, तो यहाँ पे 2 × L की बात लिखेंगे, L कितना दे रखा है 5x, B कितना दे रखा है 2x, और परपेंडिकुलर के बराबर इक्वल कर देंगे 238। तो यहाँ पर देखो ये 7x किसके बराबर आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर ये आएगा 119 के बराबर। क्लियर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 119 के बराबर। और अगर मैं इसके साथ x की कैलकुलेशन चेक करूं तो x इससे यहाँ पे सीधा सीधा कट जाएगा 1 टाइम, फिर आपके पास 7 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 17। और पूछा क्या गया है, लेंथ पूछा गया, तो लेंथ आपको पता होना चाहिए, लेंथ कितनी दिखाई दे रही है 5x, मतलब 5 × x कर लेंगे यहाँ पे 5 × 17, तो आपका उत्तर क्या आएगा 85 आएगा, ये इसकी लेंथ रही होगी 85। और यू कैन से आपको सिंपल दिख रहा है कि ये हमारे पास 5x का ही मल्टीपल होगा, मतलब x एक कोई भी नंबर आ सकता है, बट आंसर क्या होगा 5 का मल्टीपल होगा। तो आप 5 का मल्टीपल सीधा भी चेक कर सकते थे, बी ऑप्शन आपका उत्तर आएगा। तो इस अप्रोच का हम बिना अप्रोच यूज किए भी कुछ क्वेश्चनों का आंसर कई बार हम कर पाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास दे रखा है, ए मैन डिवाइडेड हिज जर्नी इनटू 3 पार्ट्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर। ही ट्रेवल द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आर, 5 किलोमीटर पर आर, 9 किलोमीटर पर आर, यहाँ पे किलोमीटर होगा रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी, आपको एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसका मतलब होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये आपके पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। टोटल डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे 18 और 20, कितना हो जाएगा 38 के अंदर यहाँ पे 20 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 58 एंड 7 कितना हो जाएगा मेरे पास 65 किलोमीटर होगा टोटल डिस्टेंस, सभी को ऐड कर दिया डिवाइड बाय टोटल टाइम। अगर मैं बात करूँ 6 की स्पीड से अगर 18 किलोमीटर कवर करना है किसी भी पर्सन ने तो उसको टोटल 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि 1 घंटे में यहाँ पे 6 किलोमीटर जा रहा है तो 18 किलोमीटर के लिए 3 घंटे लगेंगे। ऐसे यहाँ पे 5 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रहा है तो 20 किलोमीटर कवर करते हुए 4 घंटे लगेंगे, और ऐसे 9 किलोमीटर 1 घंटे में खत्म हो रहा है तो 27 किलोमीटर खत्म करते हुए 3 घंटे लगेंगे। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा यहाँ पे 65 बाय, ये कितना हो जाएगा 10, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6.5 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 6.5 किलोमीटर पर आर आपका उत्तर होगा, जो कि इसकी एंटायर यहाँ पे जर्नी रहेगी एवरेज स्पीड की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। एक और थर्ड नंबर क्वेश्चन एक आपके पास यहाँ पे डीआईसी इंटरलिंक कर रहे हैं, तो डीआई वाले भी क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत आने चाहिए। जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, देखो सबसे बड़ी बात होती है लास्ट में आप सीधा एंड पे चेक करो, आपको इन्फॉर्मेशन यहीं पे दिख जाएगी, परसेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास 6 पार्ट्स है। ठीक है, 6 पार्ट्स टोटल गिवन है, और पूछा क्या गया है यहाँ पर रेशो पूछा जा रहा है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर कितने के लिए हमारे पास यहाँ पर 25% ये रहा, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 25%। ठीक है, और दूसरा वाला कौन है हमारे पास यहाँ पे इसके साथ वाला ट्रांसपोर्टेशन, ये लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट वाला कितना है हमारे पास 17.5%, ये परसेंटेज के अंदर है, ये हमारे पास इस दोनों का मतलब आ चुका है।
इनकी रेशियो बतानी है टू दी टोटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों की रेशियो बतानी है टू दी टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस कितने दे रखे हैं यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे 10%, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कितना दे रखा है इंटरेस्ट ऑफ लोन, इंटरेस्ट ऑफ लोन ढूंढ लो यहाँ पे कितना दे रखा है इंटरेस्ट ऑफ लोन, ये ना ये कितना आएगा 22.5%। तो हमें इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे बस रेशियो निकालनी, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करोगे यहाँ पे देखो 5 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, 1 कैरी जाएगा तो ये आएगा 42.5%। इसको ऐड करोगे ये कितना आएगा 32.5%। सबसे पहले परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट जाएगी, 5 के टेबल पे दोनों ही कट जाएंगे, 5 के टेबल पे कट करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 85 और ये कितना आ जाएगा 65। फिर से 5 के टेबल पे कट हो जाएंगे यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा 17 और ये कितना आ जाएगा 13। तो 17 और 13 की रेशियो रहेगी, 17-13 की रेशियो एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रही है, ये आपका उत्तर, ठीक क्लियर। चलते हैं अभी यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, ये लास्ट अभी मैंने अभी आपको मॉर्निंग शिफ्ट करवाया था, जब मैंने शिफ्ट नंबर आपको फर्स्ट करवाई थी वहां पर भी इसका मिलता जुलता क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन ओवरऑल आपका इंपॉर्टेंट है, जब भी आपके पास यहाँ पर ध्यान रखना कभी भी कोड इनसाइड यहाँ पर हो चाहे बाहर हो, ठीक है। कोड इनसाइड हो हमारे पास किसी सर्कल के अंदर तो इसकी एक प्रॉपर्टी रहती है, जो मिडल वाला पॉइंट रहेगा जहां पे इसका कटिंग पोजिशन हुआ है, जहां पर उसको पी के नाम से डिनोट किया गया है, तो वहां से सारी पोजिशन उठाओगे पी इंटू ए पी इंटू बी। एक बार चेक करो पी इंटू ए उठाया फिर पी इंटू बी, ठीक है। फिर आगे उठाएंगे यहाँ पर P इंटू डी इंटू पी इंटू सी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। P इंटू सी यहाँ पर पहले नीचे वाला, फिर आपके पास D वाला इधर वाला, ठीक है। मिडल से सारी वैल्यू उठाओगे और इन दोनों को कर दोगे बराबर, ये बात आप याद रखें। और P इंटू ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है, P इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी हमारे पास नहीं है, ठीक है। P इंटू ए बी की वैल्यू नहीं है यहाँ पर, हमारे पास ए बी की वैल्यू गिवन है, ए बी की वैल्यू टोटल है 15, ठीक है। और P से B तक की वैल्यू है यहाँ पे 9, अगर P से B तक की ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 9 है तो A से P तक की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 6 रही होगी, तो 6 होगी ये, और पी बी कितनी है हमारे पास 9 इज इक्वल टू पी डी। पी डी किसका बराबर दे रखा है हमारे पास ये हमें नहीं पता, और पी सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है यहाँ पे 3, तो पी डी इंटू 3 लिख लोगे और 3 आपका इससे कट जाएगा 2 बार, और पी डी की लेंथ हमारे पास निकल के आ जाएगी यहाँ पे 18, दैट इज द राइट ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, क्लियर। मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ अगर किसी को दिक्कत आ रही है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर ए पी प्लस पी बी होगा, तो ए बी हमारे पास अगर 15 है तो ए पी हम निकाल सकते हैं, अगर पी बी हमारे पास यहाँ पे 9 गिवन है तो यहाँ से मैंने ए पी की लेंथ निकाल ली है जिसको मैं पी ए से डिनोट कर रहा हूँ, और यहाँ पे 15 में से 9 माइनस करोगे वो 6 आ जाएगा, वो मैंने यहाँ पे सीधा फिल किया हुआ, क्लियर। चलते हैं यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। ऑन सेलिंग ए बाइक 4 रुपीज 2500 ए सेलर अकर ए लॉस ऑफ 20%, व्हाट प्राइस वुड हैव द कॉस्ट हिम टू लॉस ऑफ 30%, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सीपी होता है वो हमेशा हर क्वेश्चन में 100% होता है, अगर वो 20% का लॉस का बेचेगा तो एसपी नंबर 1 कितना आएगा 80% आएगा, क्लियर, क्योंकि इसका 20% कम करेंगे 80 आएगा। और अगर मैं एसपी 2 की बात करूंगा तो 30% लॉस चाहिए, तो अगर 100 रुपए की चीज 30% लॉस के ऊपर बेचेगा तो 70% के ऊपर बेचेगा। अगर यहाँ पर इन दोनों एसपी की मैं रेशियो बना लूं परसेंट से परसेंट 0 से 0 कट करके 8:7 बनाऊंगा तो ये मेरे पास एसपी 1 एसपी 2 की रेशियो बन के आएगी, और एसपी 1 की रेशियो हमारे पास यहाँ पर कितनी है 8 और यहाँ पे कितनी गिवन है 2500। ये बात ध्यान रखें, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है तो मैं सेलिंग प्राइस से कंपेयर सीधा कर सकता हूँ, और अगर यहाँ पे देखोगे 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2500, और आपसे पूछी किसकी वैल्यू हुई यहाँ पर 7 की एसपी 2 की पूछी हुई है, तो 7 की वैल्यू यहाँ पर यूनिटरी मेथड से निकालोगे 2500 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7, क्लियर। अब ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आप में से काफी बच्चे क्या करेंगे इसको कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन के अंदर आप देखोगे पॉइंटों के अंदर आंसर है और लास्ट डिजिट हमारे पास 5 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपने डिजिटल सम कहीं से कहीं पढ़ा होगा तो उसको लगा के देखोगे आपका उत्तर 1 यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी कैलकुलेशन मैं चाहता हूँ आप खुद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो जल्दी से आंसर नहीं आएगा, इसके लिए आपको बेसिक अप्रोच आना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो सकते हैं बेसिक अप्रोच, वो 1 बाय 1 हम यहाँ पे सीखते हैं और ट्राई करना हर एक बच्चा सीखने के लिए, क्लियर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पर ए माइनस बी ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस ऑफ ए, क्लियर। जो जो वैल्यू पता है वो यहाँ पे फिल कर दो, इसकी वैल्यू पता है यहाँ पर 88 है फिल कर दो, ए माइनस बी की वैल्यू पता है यहाँ पे 4 है फिल कर दो, और बाकी की वैल्यू नहीं पता रहने दो, कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू नहीं पता रहने दो, क्लियर। अगर मैं यहाँ पर इसका स्केयर कर दू, अगर मैं यहाँ पर इनका स्केयर कर दू यहाँ पे, अगर मैं इसका स्केयर कर दू यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्केयर विच इज इक्वल टू 4 का स्केयर। ये फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस ऑफ 2 ए बी
विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, फोर का स्क्वेयर करोगे यहाँ पे 16, क्लियर। काफी बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर इसी का फॉर्मूला यहाँ पे चार चार कट कर देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, आपको एक्सपेंड करना है ताकि हम इसका लॉजिक कुछ ना कुछ बना पाए या यहाँ से उठा के इसका कुछ ना कुछ लॉजिक बना पाए, क्लियर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ए स्केयर प्लस बी स्केयर की, तो वो किसके बराबर आएगी, 16 + 2 AB के बराबर आएगी। इस वैल्यू को उठाकर अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर फिल कर दूँ तो मेरे पास नंबर क्या, ये देखो यहाँ पे जो 4 है इसको मैं इससे कट कर देता हूँ 22, तो मेरे पास 22 नंबर किसके बराबर आएगा आप चेक कर लो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू जो ये वाली है ये उठा के मैं यहाँ पर फिल करूंगा तो ये मेरा नंबर बन जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, 16 + 2 AB - AB, ठीक है। तो ये 22 इज इक्वल टू आ जाएगा 16 प्लस, यहाँ पर आपके पास सॉरी मैंने माइनस लिखा हुआ है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, मैंने फॉर्मूले में गड़बड़ लिखी है, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा, ये सारे बच्चे ध्यान रख रहा है, यहाँ पे प्लस आएगा, ये छोटी सी गड़बड़ हुई है, इनको ऐड करोगे ये कितना होगा 3 AB, ठीक है। जब हमारे पास ये इधर आके माइनस होगा तो ये आ जाएगा 6 = 3 AB, और यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो ये आपकी ए बी की वैल्यू निकल के आएगी। क्वेश्चन में ए बी की वैल्यू नहीं पता, ना ही हमें इससे कोई लेना देना, इस क्वेश्चन से सीधा दिख रहा है, बट मुझे एक चीज पता है, अगर इसको चेक करना है तो एक फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए, ए स्केयर प्लस बी स्केयर का होल का स्केयर प्लस, यहाँ पर देख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर का होल स्केयर, और जब मैं इसको ऐड करूंगा तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा 4 ऑफ ए स्केयर 4 ऑफ बी स्केयर। यहाँ पे आपका प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा तभी इतना छोटा सा पार्ट बन पाएगा, माइनस करेंगे यहाँ पे, और हर एक बच्चे को एक चीज नहीं, यहाँ पे दो दो पॉइंट, तीन तीन पॉइंट, जितने आप समझ सकते हैं उतने समझ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 की वैल्यू को यहाँ पे उठा के दोबारा से पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान रखना, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर इज इक्वल टू 16 + 2 2, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर किसके बराबर आएगा, 16 + 4 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20, और यहाँ पर मैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू 4 यहाँ पे 20 वैल्यू उठा के लिख सकता हूँ, और ये वैल्यू 20 किसके है उसका स्केयर करेंगे तो यहाँ पे 20 का स्केयर आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का होल स्केयर, और यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि इसका फॉर्मूला हमारे पास इसके बराबर होता है, तो मैं इसके बराबर लिख रहा हूँ अभी, और यहाँ पर आएगा 20 का स्केयर माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे हम यहाँ पे अभी के लिए, पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी है, 2 का स्केयर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर मेरे पास ए बी को उधर ले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे 400, और माइनस ये इधर आके 16 हो जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए स्केयर बी स्केयर के बराबर, और इसका होल स्केयर 16, इसमें से माइनस करोगे कितना आ जाएगा 384, विच इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर का होल स्केयर, क्लियर। अगर ये स्केयर हमारे पास है तो इधर आके क्या हो जाएगा मेरे पास रूट में, तो यहाँ पर एक वैल्यू निकल जाएगी मेरे पास ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर और 384। अब 384 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, बट हर ऑप्शन में रूट सिक्स है, हर ऑप्शन में रूट सिक्स है। यहाँ पर अगर मैं सिंपल लिख लूँ कि इसका वैल्यू जो भी आएगा यहाँ पे रूट सिक्स तो आएगा ही आएगा, 6 से इसको डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करोगे 64 आएगा, 64 का रूट करोगे 8 बार निकला होगा, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए ऑप्शन, एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपको वैल्यू पुट नहीं करनी, इसको रीअरेंज करना ही आना चाहिए तभी आपका क्वेश्चन बन सकता है। इस क्वेश्चन को दोबारा से देखकर समझ लेना जो जो पॉइंट आपका मिस किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं, एक और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको बेसिक से समझ सकते हैं, काफी अच्छे ढंग से आप इसको कवर कर सकते हैं। एक्चुअली में जो आपके पास ये वाला आइकन है मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब होगा स्केयर, एक्स का स्केयर वाई का स्केयर प्लस जेड का स्केयर माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स जेड माइनस ऑफ वाई जेड एक्स माइनस ऑफ जेड एक्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये किसके बराबर होगा, और ये एक दो वैल्यू आपके पास ये गिवन है, जब आपके पास इतना बड़ा हिंट गिवन हो तो सिंपल इसको आप सिंपली अप्लाई कर दो, क्योंकि इसका एक बेसिक फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है मेरे पास, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस ऑफ 3xyz इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू xy x + y + z, और अंदर जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी जो हमसे पूछा गया, जो हमसे पूछा गया है वो वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अंदर आ जाएगी, ये बात आप ध्यान रखना, x z और z x, क्लियर है। ये वाली वैल्यू हमें पूछी जा रही है, और एक्स वाई जेड की वैल्यू जो सम की है वो आपके पास गिवन है यहाँ पे 10, और इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास यहाँ पर 75x, ठीक है, और एक्स वाई जेड की वैल्यू मेरे पास गिवन है 15, तो यहाँ पे मैं 3 × 15 कर सकता हूँ, और यहाँ पर आपको इसको जब सिंप्लीफाई करना, यहाँ पर आपके पास 75x नहीं होगा, नहीं तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा जल्दी से, आपके 75x नहीं होगा, और यहाँ पर इसके वाले पूरे के पूरे पार्ट को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यही तो हमने फाइंड करना है यहाँ पे, हमने यहाँ पर इसी को तो फाइंड करना है यहाँ पे, क्लियर हो गया कहानी। और यहाँ पर आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना है, 75 में से अगर मैं यहाँ पर 45 को माइनस करूंगा कितना आएगा 30, और 30 आपका इसके से 0 से कट जाएगा तो मेरे पास 3 की वैल्यू आ जाएगी,
इनकी वैल्यू आ जाएगी, जो एग्जामिनर ने पूछा हुआ है उसके बराबर हम सीधा लिख देंगे। ये मेरे पास यहाँ पे तीन की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास पार्ट हो जाएगा तीन, और ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट के ऊपर चलते हैं। एक और, मोहन ऑफर टू सेल इज आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, बट ही मार्क्स इज आर्टिकल बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ ईच बाय 35%, व्हाट परसेंट वुड ही गेन, वुड हिज गेन बी, ठीक है। अगर कोई भी प्राइस की बात होती है तो उसको 100 से शुरू कर लो, और अगर 35% बढ़ाया गया है तो पहले 100 का 35% बढ़ा लो। 100 का यहाँ पर 35% कितना होगा, 100 का 35% 35 भी होगा ना, तो इसके अंदर अगर मैं 35 ऐड करूंगा तो 135 हो जाएगा ये, और 135 के ऊपर बढ़ने के ऊपर उसने बाद में उसके ऊपर 20% का लॉक दे दिया है, डिस्काउंट दे दिया है, तो इसका 20% निकाल लो। इसका मतलब क्या होता है, 1/5, इसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे 27, मतलब इसका 20% क्या आएगा, 27। तो यहाँ पर आपको ये देखना था कि 135 में से अगर 27 को माइनस कर लो तो 108 रुपए का बेच रहा होगा, और आपको क्लियरली दिख रहा है कि 100 रुपए की चीज को अगर वो 108 की बेच रहा है तो उसको 8 का गेन हुआ, जिसके ऊपर जो आपका सीपी था उसके ऊपर, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कट के आपके पास आ जाएगा आंसर कि 8% का ओवरऑल गेन हुआ, मतलब सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्लियर, चलते अभी 9 नंबर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत आसान है, अगर आपने यहाँ पर पहली बार तो डिग्री यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन की शुरुआत करूं, काफी बच्चे इसको थोड़ा सोचते हैं कि पता नहीं क्या कोई डिफिकल्टी क्वेश्चन है। सिंपल एक फॉर्मूला है टेन ए माइनस टेन बी के बारे में, टेन बी, और अगर लिखा हो यहाँ पे 1/10a और यहाँ पे लिखा हो 10b, अगर हमारे पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन लिखा मिले तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप आराम से ढंग से कर सकते हैं। इसका आंसर होता है हमारे पास यहाँ पे 10a-b। ये बात आप सारे बच्चे याद रखें ताकि आपका क्वेश्चन का उत्तर बहुत ही जल्दी से आसानी से आ जाए। क्लियर, यहाँ पर मेरे ख्याल से 45 नहीं, यहाँ पे 15 होगा, क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक जरूर है, यहाँ पे आपका 15 होगा और तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। अगर मैं इसका आंसर ये जानता हूं तो मुझे सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, टेन 60° माइनस 50° होगा, क्योंकि इसको यहाँ पे अप्लीकेबल करेंगे। ए हमारे पास यहाँ पर दिख रहा होगा, ए को 60° लिखा हुआ है और बी को यहाँ पे 15° लिखा हुआ है, क्वेश्चन तो नीचे वाला बन गया हमारे पास, तो 60 - 15 कितना होगा, 45। तो 10 45 की वैल्यू इसका उत्तर होगी, मतलब 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 10 45 आपका 1 होता है। क्लियर, चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। एक और, ये भी आपका ट्रिगनो का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं आप। सब बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे 3 ऑफ सीकेंट स्केयर एक्स अगर मैं पूछूं तो ये इधर चला जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर सीकेंट स्केयर एक्स किसके बराबर आएगा, 4/3, और जब ये सीकेंट उधर चला जाएगा यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे √2/√3 आ जाएगा, और 2/√3 आपको पता होना चाहिए कि जो सीकेंट है ये आपके पास यहाँ पे कॉस एक्स का रिवर्स होता है, ठीक है। अगर मैं कॉस एक्स जानूंगा तो ये √3/2 रहा होगा, एक्स विल बी सेम क्योंकि इसका इनवर्स होता है ये, ठीक है। और कॉस एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे √3/2 कब मिलते हैं, जब एक्स आपका 30° होगा, तो एक्स आपका 30° होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बॉन्ड मास से इंटरलिंक करता हुआ क्वेश्चन है। इसके अंदर सबसे पहले अपने अंदर वाले फैक्टर को सॉल्व करना होता है, फिर आगे जाना होता है, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड मास का रूल ये कहता है पहले अपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर अपने ऑफ को, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एड एंड सबट्रैक्ट। क्लियर, सबसे पहले हम यहाँ पे आपके इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 12.5, 12.5 को 13 में से माइनस करोगे कितना आएगा, 0.5 आएगा इधर। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 7.5 को अगर मैं यहाँ पर सिंपल है 7.5 का डबल कर लो, 15 15 × 4 करोगे कितना आ जाएगा, 60, तो 60 प्लस अगर इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 60.5 को जब मैं इससे माइनस करूंगा 63 से, 60.5 को जब मैं माइनस करूंगा कितना आ जाएगा, 2.5, और 2.5 को इससे डिवाइड करूंगा। कहानी समझ आ रही है, जितना तरीके से मैंने सॉल्व किया आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे, आंसर हमेशा ठीक आएगा। क्लियर, तो 2.1 आएगा, और इसको आप कट करके देखोगे, इसको आप सिंपली कट करोगे, ये मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 0.9। अगर मैं 0.9 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नंबर आ जाएगा, और ये मेरे पास यहाँ पे 0.9 कट के आएगा, इसको ऐड करोगे 3 आएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बस ये ध्यान रखना है, ऐसे वाले क्वेश्चन को एक बार दोबारा कर लेना, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं बट बच्चे गड़बड़ कर लेते हैं जोड़घटाओं में, तो वो चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इतना सा तो वैसे आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे वाला पार्ट देखो, एक्सपेंडिचर ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हमारे पास यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑफ लोन कितना है, 22.5, ठीक है, और ये परसेंटेज में है। इज व्हाट परसेंट मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट वाले कितने हैं मेरे पास, 17.5,
17.5% वाले हमारे पास कितने हैं ट्रांसपोर्टेशन वाले, ठीक है। आपसे पूछा गया ये इससे कितना ज्यादा है। अगर मैं अगर इसकी इंटरेस्ट की बात करूं तो सिंपल दिख रहा है ना यहाँ पे, ये 17 है, 22.5 है, तो 5% ज्यादा होगा। आप सिंपल इसको चेक कर लो, 22.5 लिखा हुआ है और ये हमारे पास है 17.5 लिखा हुआ है, तो 17.5 से 22.5 कितना परसेंट होगा, 5%, और यही इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर बन जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर, चलते हैं अभी यहाँ पे 13 नंबर की ऊपर। ए रनर इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, किलोमीटर आएगा यहाँ पे, किलोमीटर पर आवर। इफ ही रन एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर देन व्हाट विल द डिक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ स्पीड। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले स्पीड उसकी 40 किलोमीटर पर आ रही थी, बाद में उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आ रहा है, तो कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, 10 किलोमीटर का पर घंटे का। और किसके ऊपर, जो पहले वाली स्पीड थी उसके ऊपर हुआ ना डिक्रीमेंट, तो पहले वाली स्पीड को हम नीचे लिखेंगे जिससे कंपेयर किया गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई में 100 करेंगे यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए, इसको कट करोगे 1/4 आएगा, इसको कट करोगे 25, तो 25% का डिक्रीमेंट रहा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर, चलते हैं अभी यहाँ पे 14 नंबर के ऊपर। 40 नंबर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन द फिगर एल इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर एल हमारे पास सेंटर है किसी सर्कल का, एम एल आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है टू द एल एन, एंड द एरिया ऑफ एम एल एन इज गिवन 36, द एरिया ऑफ द सर्कल पूछा हुआ है। आप सभी बच्चों को सिर्फ इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए छोटा सा पॉइंट बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक पॉइंट इतना था कि अगर कभी भी आपको ट्राइंगल दिखे, कभी भी ट्राइंगल दिखे और आर और आर गिवन हो और इसका ये वाला थीटा आपके पास गिवन हो, तो इससे ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू आर इंटू आर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा इज दैट जहां पे आपका आर आर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इधर वाला थीटा उठा लो, जहां पे आर आर है उनके बीच वाला थीटा में चाहिए, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे हाफ इंटू आर इंटू आर, और यहाँ पे कितना आएगा, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा, 36, और यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो मेरे पास आर का स्केयर कितना आ जाएगा, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 72, आर का स्केयर मेरे पास 72 आ जाएगा। और उसने पूछा क्या हुआ, एरिया ऑफ दैट सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्केयर होता है, और आर स्केयर की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 72 पाई, 72 पाई इज द एरिया ऑफ दैट सर्कल, मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर, चलते हैं 15 क्वेश्चन नंबर के ऊपर। 15 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, आप सारे बच्चे ध्यान रखें कि आपका गड़बड़ यहाँ पे ना हो, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये देखो, अगर मैं सिंपल हीट एंड ट्रायल से करना चाहूँ इस क्वेश्चन को, मुझे पता है टेंथ थीटा के बारे में पूछा जा रहा है, तो टेन थीटा रूट टू तो होता नहीं है। जब भी मैं 0 से 90 डिग्री के बारे में सोचता हूँ, चाहे मैं 30 डिग्री के बारे में सोचूं, चाहे मैं 45 के बारे में सोचूं, या फिर 60 डिग्री के बारे में, या फिर 90 डिग्री, या फिर 0 डिग्री, टेन थीटा आपके पास यहाँ पर ये √2 तो होता नहीं, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। √6 नहीं होता, ये भी नहीं उत्तर हो सकता। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये वाला ऑप्शन पिक करते हैं, और ये जो आप क्या पता आपका उत्तर ये भी हो, कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। बट अगर मैं चाहूँ फर्स्ट अप्रोच आप इस तरीके से लगा रहे हो तो कोई बात नहीं। सबसे पहले देखो, टेन 45 डिग्री आपका 1 होता है, मान लो ये आपका थीटा 45 रहा होगा, तो इसके अंदर 45 ऐड कर दो, 4 × cos 45, cos 45 होता है 1/√2, उसका स्केयर करोगे कितना आएगा, 1/2 माइनस 3 sin² 45, साइन स्केयर कितना होता है हमारे पास यहाँ पर 1/√2, उसका स्केयर करेंगे 1/2 + 2, जब आप सिंपलीफाई करोगे देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 − 3/2 आएगा, बट 0 तो नहीं आया, इसका मतलब 45 डिग्री नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ये उत्तर हो सकता है, तो ये वाला कब आएगा, जब आपके पास 30 डिग्री होगा टेन, अगर मैं टेन 30 डिग्री रखूंगा तभी बन सकता है, तो यहाँ पे 30 डिग्री रख के देख लो। अगर मैं बात करूँ 4 ऑफ cos² 30 डिग्री माइनस 3 ऑफ sin² 30 डिग्री प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे मैं कॉस 30 की वैल्यू चेक करूँ, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास यहाँ पे √3/2, उसका स्केयर करेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 × 3/4, 4 से 4 कट जाएगा 3, माइनस 3 × sin 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, उसको मल्टीपल उसका स्केयर करेंगे 1/4, और यहाँ पे प्लस 2, तो माइनस आ जाएगा 3/2 + 2, इसको सिंप्लीफाई करके 0 फिर से भी नहीं आ रहा, तो ये भी उत्तर नहीं है। तो ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई है, कई बार बच्चे ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यार टेन ये नहीं होगा, तो काफी बच्चे इन दोनों को चेक करते हैं, बाकी ऑप्शनों को नहीं चेक करते, उसके बदले में उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सर √6 होगा, √2 होगा, ये कैसे फाइंड करेंगे, तो बेसिक अप्रोच है, बेसिक अप्रोच के अकॉर्डिंग आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका उत्तर बन जाएगा, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। आपको थोड़ा सा हलचल इसके अंदर करनी चाहिए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करना चाहिए, सीखना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा मरोड़ा जा सकता है, ठीक है। अगर मैं सिंपल कहानी के अंदर बोलूँ तो आप इस क्वेश्चन को
अगर मैं सिंपल कहानी के अंदर बोलूँ तो आप इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा बहुत ज्यादा चेंज कर सकते थे। अगर मैं सिंपल लिखूँ तो मैं इसके अंदर ऐसा लिख सकता था, यहाँ पे थ्री ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, थ्री सॉरी फोर, फोर ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अगर किसी बच्चे को भी इसमें डाउट है तो मैं लिख देता हूँ, साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका वन होता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे साइंस स्क्वायर थीटा की, साइंस स्क्वायर थीटा क्या होगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ये अप्रोच हमने यहाँ पे लगाई। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा ये क्या आएगा, फोर ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू विच इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, फोर कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, सेवन कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस थ्री प्लस टू कितना हो जाएगा, माइनस वन, माइनस वन उधर जाएगा तो वन आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ रही है वन बाई सेवन, क्लियर है। फिर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर फाइंड किया। अगर मैंने यहाँ पर इसी अप्रोच से, अगर मैंने इसी अप्रोच से यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली तो वो आएगी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको यहाँ पे उठा के मैं इसके अंदर दोबारा से फिल करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, फोर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू इजिकल टू जीरो। और इसको सिंप्लीफाई करोगे, फोर माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू इजिकल टू जीरो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हमारे पास टू एंड टू एंड फोर कितना हो गया छह, और ये हमारे पास उधर चला जाएगा कितना आ जाएगा, सेवन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है, सेवन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं सेवन को इधर ले आऊंगा इससे डिविजिबल हो जाएगा तो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, सिक्स बाय सेवन आ जाएगा, क्लियर। अब उन्होंने पूछा क्या हुआ है, टेन थीटा, टेन थीटा आपको पता होना चाहिए, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू निकालू, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे रूट सिक्स बाय रूट सेवन, क्योंकि ये स्केयर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, वन बाय रूट सेवन, क्योंकि स्केयर है उधर जाके रूट हो जाएगा। दोनों वैल्यू को यहाँ पे रख दो, पहले आएगा टेन थीटा रूट सिक्स बाय रूट सेवन डिवाइड बाय, और ये वाला कितना आएगा, वन बाय रूट सेवन, और ये रूट सेवन से रूट सेवन कट जाएगा तो आंसर क्या रूट सिक्स आएगा, दैट इज अवर टेन थीटा, मस्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन, क्लियर। आई होप सबको समझ आया होगा, जिसको भी किसी को डाउट है एक बार वीडियो को दोबारा से आप इसको स्लो करके देख सकते हैं, मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ हमेशा ताकि हम वीडियो को थोड़ा छोटा बना पाए, ठीक है। अगर मैं स्लो स्लो चलूंगा तो ये वीडियो काफी बड़ी हो जाएंगी, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन करवाने के लिए मैं यहाँ पे दो दो घंटे लाइव बैठा रहूँ, दो दो घंटे के लिए आपको ये बताऊँ, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा सा चाहिए कि सर स्लो पढ़ाए तो आप एक बार इस वीडियो को थोड़ा स्लो करके चेक कर सकते हैं, यूट्यूब का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और बाकी आने वाले टाइम में कभी मैं लाइव पढ़ाऊंगा तो फिर वहां से हम बेसिक टू हाई लेवल आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं थोड़ा फास्ट से चलूंगा ताकि 25 क्वेश्चनों को 40 से 45 मिनट के आसपास हम कवर कर पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे 16 के ऊपर, 16 पर क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी इयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ए मनी विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल, व्हाट इट मीन, प्रिंसिपल मस्ट बी इक्वल टू एस आई, एंड इफ वी नो दैट एस आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाय 100, वी नो दैट फ्रॉम दैट, क्लियर। अगर मैं यहाँ पर एस आई एंड प्रिंसिपल को एक्स मान लू तो इसके अंदर फिल कर दू, मेरे पास एस भी एक्स होगा, प्रिंसिपल भी एक्स होगा, आर कितना दे रखा है, ये वाला पार्ट इसको कट कर लेंगे, ये वन बाय टू आएगा, ये इसको कट कर लिया वन बाय टू आएगा, और यहाँ पे 12.5% लिखा जा सकता है तो आर को लिखूंगा 12.5, क्लियर। इसको मैं 12.5 लिख सकता हूँ सीधा, तो 12.5 इंटू हमारे पास यहाँ पर क्या है, टाइम हमें नहीं पता, डिवाइड बाय 100, तो ये मैंने फॉर्मूला ही लगाया, टाइम हमें नहीं पता, आर हमने लिख लिया, पी एंड एस आई को बराबर कर दिया, तो ये दोनों तो कटेंगे कटेंगे, अगर ये दोनों कटेंगे ये भी कट जाएंगे 8 टाइम, तो टी इज इक्वल टू 8 साल होगा, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं, हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है, एक दे रखी है यहाँ पे सीमा टू कमल, और एक दे रखी है कमल टू रीता। अगर यहाँ पे सीमा देखिए तो सीमा यहाँ पे 1.5:2 है इनकी रेशो, और यहाँ पे कमल एंड रीता की वैल्यू दे रखी है 2.25, क्लियर। एक तो तरीका है कि सीधा मल्टीप्लाई स्टार्ट कर दो, आपका उत्तर बन जाएगा, बट एक तरीका देखो, के का पड़ोसी खाली है आर, तो के का वैल्यू आर को दे देंगे दो नंबर। अगर मैं एस की बात करूं तो के का पड़ोसी खाली है तो एस को हम दो नंबर दे देंगे और इनको करेंगे मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं रेशियो को डायरेक्ट ऐड करना, कंपेयर करना, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा 3, और ये कितना आएगा यहाँ पे 4, और ये कितना आएगा 5, टोटल कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर एस के आर की वैल्यू टोटल कितनी हो रही है हमारे पास 12, और गिवन कितनी हमारे पास 3600 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कितने पैसे तो डिवाइड कर रहे हैं ना इनमें। अगर 12 की वैल्यू 3600 है तो पूछा जा रहा रीता का बताओ, रीता हमारे पास कितनी है 5, अगर 12 से 3600 आएगा कब आएगा, जब 300 का मल्टीपल करेंगे आएगा, तो
इसको भी 300 का मल्टीपल कर लो, ये 1500 रहा होगा, 1500 रुपये रीता को मिले होंगे, मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। कौन द एवरेज ऑफ द रन ऑफ द क्रिकेट प्लेयर्स इन 20 मैच इज 35, इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट वाला मैच इज 45, फाइंड द एवरेज ऑफ द लास्ट मैच। ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही समझ में आना चाहिए यार, एवरेज बहुत आसान टॉपिक है, सम डिवाइड बाय नंबर करते जाओ, आंसर आते जाते हैं। ठीक है, अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो सम किसके बराबर आ जाएगा, सम आ जाएगा यहाँ पे एवरेज इंटू नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये दो फॉर्मेट पता होना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पर ये देखो हमारे पास 20% है, अगर मैं बात करूँ सम ऑफ 20%, अगर सम ऑफ 20% की बात करेंगे तो 20 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 700 नंबर आएंगे। 700 क्या निकल के आएगा, देखो सम निकल के आएगा ना, एवरेज इनटू नंबर कर दिया डायरेक्ट हमने। अगर मैं यहाँ पर फिर से बोलूँ 12 मैच का बताओ तो सम ऑफ ये 12 मैच किसके बराबर आएगा, 12 मैच आ जाएगा मेरे पास, 12 इंटू 45 करेंगे तो 12 नंबर का आ जाएगा, 12 इंटू 45 करेंगे तो 12 नंबर का यहाँ पे डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। और 12 नंबर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करने बैठूँ तो 15 इंटू 2 करोगे 90, और 450 ये आएगा 540 के आसपास। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ तो सम ऑफ 8% का रिमाइंडर बचेगा, सम ऑफ 8% इनका माइनस करने पे आएगा, ये कितना आएगा 042। तो 8 बंदों की अगर सम हमारे पास दे रखा है हमारे पास 240, तो पहला फॉर्मूला लगा दें सीधा। पहला फॉर्मूला क्या कहता है कि एवरेज क्या होती है हमारे पास, सम डिवाइड बाय नंबर। 8 बंदे हैं, 8 बंदों का सम रखेंगे, 8 नंबर से डिवाइड करेंगे तो एवरेज 30 आ जाएगी, यही इस क्वेश्चन का उत्तर होगा हमारे पास। हमने कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत किया, यहाँ पे 6 आएगा, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन में एरर हुआ है, यहाँ पे 6 आएगा और ये आपका आंसर यहाँ पे 20 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। एक और 19 नंबर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम से रिमाइंडर का, काफी आसान क्वेश्चन है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है, 77 की पावर 77 प्लस 77 डिवाइड बाय 78। अगर आपको रिमाइंडर का थ्योरम पता है तो इसको 78 माइनस 1 लिख सकते हैं 77, और इसको 78 के साथ हम डिवाइड कर सकते हैं, बट मैं करूंगा नहीं, मैं इसको भी ऐसे लिख लेता हूं यहाँ पर। इस नंबर को 77 अगर पॉजिटिव लिखना है लिख लो, माइनस में लिखना है तो भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस रिमाइंडर भी कर सकते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर भी कर सकते हैं। तो मैं एक एडवांस लेवल आपको बता रहा हूँ क्योंकि पेपर के अंदर आजकल थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्मेट आएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसी स्टेटमेंट को यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आंसर दोनों से सिमिलर आएगा, मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, आप इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 78 इससे कट गया तो 0 रिमाइंडर आएगा, -1 की पावर ऑड है तो उत्तर माइनस में आएगा, 78 इससे कट गया 0 रिमाइंडर, -1 तो -1 डिवाइड बाय 78 ये कितना आ रहा है -2/78। कभी भी रिमाइंडर आपका माइनस में नहीं होता, अगर माइनस में आए ना तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट के अंदर में से इसको माइनस कर दो तो ये आपका रिमाइंडर रहा होगा, ये इसका उत्तर है। कैसे, अगर मैं इसके अंदर अप्लाई कर दूं यहाँ पर देखो ये कटेगा 0 रिमाइंडर, 0 माइनस 1 करेंगे 77, तो -7 की पावर अगर 77 होगा तो ये -1 ही रहेगा, और यहाँ पे कितना है हमारे पास +77 डिवाइड बाय 78, तो ये कितना नंबर आएगा 76/78, तो इसका मतलब 76 इसका रिमाइंडर रहा होगा, ये इसका उत्तर बन गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है सर कट क्यों नहीं किया, भाई अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो उसने पूछा रिमाइंडर क्या हुआ, रिमाइंडर ये नंबर आएगा, इसके कट करने की क्या जरूरत है बताओ। ठीक है, कट करना पड़ता है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर एक कंसेप्ट और बन जाता है इसका। ठीक है, तो ऐसे कंसेप्ट बहुत से आपको पता होने चाहिए इस पेपर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। द फॉलोइंग ग्राफ शो द परफॉर्मेंस इन एग्रीगेटिव मार्क्स ऑफ टू बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राफ Identify the girl who has shown the maximum improvement from the class of 10th to 12th. ठीक है, 10वीं क्लास से लेकर आपको 12वीं क्लास तक देखना है कि कौन सा यहाँ पर सबसे ज्यादा इंप्रूव हुआ है। ये तो यार डिसइंप्रूव हुआ है, ठीक है, इसका इंप्रूवमेंट हुआ नहीं, ये कम हो गया, गलत है बस। ठीक है, इससे आप चेक कर सकते हैं ना, ये क्लास नंबर 10 है, ये क्लास नंबर आपके पास यहाँ पे 12 है। ठीक है, इसका इंप्रूवमेंट हुआ है 5, इसका इंप्रूवमेंट हुआ है 9, इसका इंप्रूवमेंट हुआ है नियर अबाउट 13, और इसका इंप्रूवमेंट हुआ है नियर अबाउट 14, और इसका इंप्रूवमेंट हुआ है यहाँ पे नियर अबाउट 12। तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट इसका दिख रहा है 14। कौन है ये, अलका, अलका इस क्वेश्चन का उत्तर होगा बी ऑप्शन। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और अच्छा है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आपको मैंने कल भी बताया था कि आपको चेन रूल पता होना चाहिए, M1T1/W1=M2T2/W2। क्लियर, M इज व्हाट, M इज ए नंबर ऑफ पर्सन, T इज ए टाइम, एंड W इज व्हाट, W इज ए वर्क। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा 30 तो दिस इज अवर M1, टाइम इज व्हाट, टाइम इज 8 आवर पर डे, एंड प्लस 16 डेज। तो यहाँ पर जो भी आपका टाइम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी इन्होंने काम करना था
वो काम यहाँ पर बाय वर्किंग हाउ मेनी आर ए डे, बाय वर्किंग हाउ मेनी आर ए डे एक्स 10 32%, मतलब इसका क्या होगा 32 का M2 इंटू T1, और T1 अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि अभी 20 लिखना बाकी है, तो डिवाइड बाय इसका भी काम क्या होगा सेम। मैंने यहाँ पर यही फॉर्मूला लिखा है M1 T1 डिवाइड बाय W1 M2 T2 डिवाइड बाय W2, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपके पास टाइम है, ये आपके पास M1 है, ये आपके पास M2 है, ये आपके पास T2 है, W सेम रहता है इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे कट हो जाएगा ठीक है। 16 आपका 32 यहाँ पे दो बार कट जाएगा, दो आपका इससे कट जाएगा यहाँ पे चार बार, और 20 आपका इससे कट जाए 0 से 0 कट जाएगा, और दो उसका इधर कट जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे दो बचा और यहाँ पे तीन बचा, और एक्स की वैल्यू किसके के बराबर आ जाएगी 6, यही इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 6 R8A, ये आपका ए ऑप्शन आपका सही है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर चलते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ए प्लस बी के बारे में आपको यहाँ पर देखो, इसके अंदर काफी बार वैल्यू पुट हो जाती है, काफी बार वैल्यू पुट नहीं भी होती। मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको वैल्यू पुट से करवाया था, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा। अब ये सिमिलर ही क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर वैल्यू ऐसे दे रखे कि वैल्यू अज्यूम ही ना कर पाए तो कैसे करना होगा, इसको सीधा आप स्केयर करोगे। अगर आप इसको यहाँ पे स्केयर करोगे तो यहाँ पे भी स्केयर होगा, और इसका फॉर्मूला ओपन कर दो, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 121, और ए बी की वैल्यू 15 यहाँ के उठा के यहाँ पे फिल करोगे, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस ट्वाइस इंटू 15 इज इक्वल टू कितना आएगा 121। यहाँ पर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर जो हमने फाइंड करना था वो किसके बराबर आएगा, 121 माइनस 30 के बराबर, इसको माइनस करोगे तो 91 आएगा, मतलब ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर चलते हैं एक और, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा, एक ही सिर्फ आपको प्रॉपर्टी में बता देता हूँ ताकि ऐसे वाले क्वेश्चन आपके ढंग से हो पाए ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, मैं उसके बाद ही उस क्वेश्चन को ओपन करूंगा आगे ताकि आपको ये पहले ही पता हो ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ए बी सी की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर बी से लेकर ए के यहाँ पर बी से लेकर ए सी का एक मिड पॉइंट ज्वाइन कर दूँ, मिड पॉइंट ऑफ ए सी मतलब ये दोनों लाइनें बराबर है ठीक है, ऐसी सी से एक इसका मिड पॉइंट, दिस इज नॉट ए परपेंडिकुलर, रिमाइंडर दैट रिमेंबर दैट, मैं यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर नहीं बना रहा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बना रहा, मैं आपको ये नहीं बता रहा एंगल बाइसेक्टर कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ए बी का मिडल पॉइंट है ये वाला, इसका मतलब ये लाइन के बराबर होगी। और यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे अटैच करूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे अटैच करूँ तो ये लाइन मेरे पास इसके बराबर होगी, ये इसका यहाँ पे मिडल पॉइंट है। जब भी हम मिडल पॉइंट को, जब भी हम ऐसे मैं ऊपर अगर मैं बोलूँ ए बी लाइन है, ए बी का मिडल पॉइंट जो भी पॉइंट रहा होगा मैं लिख देता हूँ, इसको डी लिख लो, इसको ई लिख लो, इसको एफ लिख लो। अगर मैं ए बी के ऊपर एक एफ पॉइंट को मान लेता हूँ कि ये इसका मिडल है, बनाया होगा मैंने मिडल कहीं ना कहीं बनाकर, मिडल अगर पॉइंट को अगर मैं इसके ओपोजिट वर्टेक्स सी के साथ अटैच करूँ तो सी एफ क्या होगा, सी एफ उस क्वेश्चन के अंदर उस ट्रायंगल के अंदर उसका मीडियन हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे ठीक है। और मीडियन के सेंटर पॉइंट को अलग अलग एक नाम रखा जाता है, ऐसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम रखा जाता है, चार पॉइंट होते हैं, चारों आपको याद होने चाहिए ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा अभी हम इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन में नहीं जा रहे, सिर्फ अभी हम इतना बता रहे हैं कि सी एफ आपके पास मीडियन होगा, मीडियन होगा ठीक है। अगर ये मीडियन हुआ, अगर ये मीडियन हुआ तो मीडियन की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ये पूरी की पूरी ट्रायंगल को जितने हिस्से इसके बनते रहेंगे उनको बराबर बराबर हिस्सों में ही डिवाइड करेगा। अगर मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ कि ये वाला नाम मान लो अभी के लिए जी है, ये वाला नाम का मैं अभी नामकरण कर देता हूँ, ये हमारे पास जी है। तो अगर मैं आपको बोलूँ तो ये वाला एक पार्ट होगा, 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 तो इसके 6 इक्वल पार्ट के अंदर ये मीडियन इसको डिवाइड करेगा, 6 इक्वल पार्ट के अंदर। क्यों होता है, कैसे होता है, जब मैं आपको कभी भी जैसे आप पढ़ते हो प्लस कोर्स में, आपको सारे के सारे में इसके शॉर्टकट, सारे के सारे इसके टाइप के क्वेश्चन, एसएससी के, सीडीएस के सारे पढ़ा रहा हूँ डिफेंस कैटेगरी के अंदर, अनअकैडमी के ऊपर ठीक है। अनअकैडमी का प्लस कोर्स बाय कर सकते हैं बाय यूजिंग रेफरल कोड बलविंदर लाइव, वहां से आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, और वहां पे आपको आने के बाद काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने के लिए, तो सिर्फ एक ही आप देखो कि इक्वल पार्ट होंगे आपके पास ठीक है। और अगर मैं इसके यहाँ पर इस वाले पॉइंटों को मिला दूँ, अगर मैं इसके इस वाले पॉइंटों को मिला दूँ, ये बात आप बात नहीं सीखनी है, बस इस कहानी को समझ जाओ। इस कहानी को समझने के बाद अभी मैं जो डार्क कर रहा हूँ, जो मैं पॉइंट यहाँ पे डार्क करके दे रहा हूँ, जो मैं पॉइंट डार्क करके दे रहा हूँ, ये एफ से लेकर जो एक्स वाला पॉइंट है, एफ से एक्स वाला जो होगा ये भी आपका एक मीडियन का ही रोल प्ले करेगा, बट किस ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल ऑफ डी ई एफ के लिए। चेक कर लो डी ई एफ कौन सी ट्राइंगल है, आप खुद चेक करो ठीक है। ये वाला पॉइंट अगर मैं ड्रॉ करूंगा ये भी इसका मीडियन कहलाएगा, और ये वाला अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा ये भी आपका मीडियन ही कहलाएगा, ये भी आपके पास मीडियन कहलाएगा। तो ये फिर से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये ट्रायंगल को 6 हिस्सों में बराबर बराबर ये भी पार्ट किया, 6 हिस्सों में ये भी बराबर बराबर पार्ट किया, बात समझ आ रही है।
ये आपको समझ आ चुका होगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। एक्स वाई जेड इज ए ट्रायंगल, एक्स वाई जेड हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक्स ये रहा, वाई ये रहा, जेड ये रहा। इफ मीडियन, इफ द मीडियन जेड एल, जेड से लेकर एल तक एक मीडियन है हमारे पास, यहां से बना लेते जेड एल एंड वाई एम, वाई से लेकर एम, ये हमारे पास एम है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट जी, ये वाले पॉइंट को नाम दे दिया इन्होंने इंटरसेक्शन पॉइंट को जी। तो उसने पूछा हुआ है एरिया ऑफ जी एल एम, जी एल एम ये वाले ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल एंड एक्स वाई जेड। मतलब अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल जी एल एम रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ये आपसे पूछा जा रहा है। वैसे तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका उत्तर बहुत बच्चों को याद भी होता है, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो इसके कुछ शॉर्टकट आपको याद भी लिखने चाहिए, उनमें से एक क्वेश्चन है ये। बट अगर मान लो कई बार होता है नहीं भी आपको पॉइंट याद, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको सब चीज़ें याद हो पेपर तक, ये बात आप ध्यान रखें। अगर नहीं भी याद तो सबसे पहले ये तीसरा जो भी आपके पास मीडियम होगा इसको ड्रॉ करने की, अगर ये मीडियम ड्रॉ होगा तो सारे बच्चे, अब मैं छोटे छोटे पॉइंट लिखने वाला हूँ, आप सारे बच्चे इन चीज़ों को ध्यान से समझ लें कि अगर ऐसा हुआ तो आपको ये सीखना पड़ेगा। एक पॉइंट मैं चलो इसी में लिख लेते हैं, आपको सिर्फ इतना सीखना पड़ेगा जिसके मैं यहाँ पर जितने भी हिस्से बनाऊंगा बराबर बनाऊंगा। अगर मैं तीन बड़े मीडियन को उठा के चलूंगा, मीडियन कौन से, वाई एम, जेड एल और एक्स से लेकर यहाँ पर एक्स से लेकर ए तक, ठीक है, तीन बड़े मीडियन को उठा के चलेंगे तो कोई भी आपके यहाँ पे तीन कोई भी हिस्सा उठाऊंगा वो बराबर ही कहलाएगा, कोई भी उठा सकता है जो भी आपका दिल कर रहा है, रैंडमली आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि यार ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट को यहाँ पे मिला दो, ये वाले पॉइंट को मिला दिए, ठीक है, ये दोनों पॉइंट को यहाँ पे मिला दिए, अगर ये दोनों पॉइंट को मिला दिया तो एक के एक 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 ये बराबर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तो बताया था कि अगर ये हमारे पास एल एम ए की बात करें तो उसका ये मीडियन का ही काम करेगा, ये मैंने अभी अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पॉइंट याद रखना था, इसका मतलब छह से इसके बराबर होंगे, अगर इसके छह से बराबर होंगे तो इसके भी छह से होंगे, इसके भी छह से होंगे, इसके भी छह से होंगे, क्योंकि इसके भी छह से होंगे, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो टोटल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे पास एल एम, हमारे पास यहाँ पे जी एल एम की, तो जी एल एम के अंदर एक पार्ट ये था और एक पार्ट ये था, टोटल कितने पार्ट हो गए इसके, दो, और एक्स वाई जेड के अंदर टोटल पार्ट कितने होंगे, छः 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 और छः, चौबीस, तो चौबीस पार्ट इसके, इसको कट करोगे आपका उत्तर एक और बार आएगा, ये इस क्वेश्चन का, ठीक है, क्लियर। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि जब हमारे पास यहाँ पर ये ट्राइंगल हमारी कुछ ऐसे दिखी, ये ट्राइंगल हमारे पास कुछ ऐसे दिखेगी, और मैंने सिर्फ आपको ये बताया अगर ये मिडल पॉइंट हुए हमारे, अगर ये मिडल पॉइंट हुए और मीडियम से इंटरसेक्ट करते जाएंगे तो इसके होंगे शायद चार बराबर इसके होंगे, एक दो तीन चार, मैंने चारों को मान लिया कि ये छः छः के बराबर है। ऐसा क्यों माना मैंने यहाँ पे छः छः के बराबर होंगे, ऐसा इसलिए माना क्योंकि जो अंदर वाला पार्ट है ना ये वाला, इसको फिर से मैंने छः छः के हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो अगर छः को छः हिस्से में डिवाइड करेंगे आसान रहेगा मेरे लिए, तो मैंने इसको मान लिया छः छः के पार्ट रहे होंगे, छः में से एक पार्ट हमें ये चाहिए था, ये एक पार्ट होगा, एक पार्ट ये चाहिए था दो, तो इसके दो पार्ट होंगे और टोटल के चौबीस पार्ट होंगे, इसको कट करोगे आपका उत्तर ये आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, 24 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। पी क्यू आर, पी क्यू आर एक हमारे पास आइसोसेलस ट्रायंगल है, और यहाँ पर पी क्यू आर आपके पास 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये एंगल होगा, ठीक है, ट्रायंगल ये यहाँ पे ये ऐसे एंगल होगा, एंगल की बात कर लेते हैं यहाँ पे, एंगल हमारे पास गिवन है पी क्यू आर, ये हमारे पास 90 डिग्री है लिखा हुआ है क्वेश्चन वालों ने, पी क्यू की वैल्यू 10 है, क्यू आर की वैल्यू 10 है, और अगर इसके यहाँ पर एक वर्टेक्स के ऊपर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर गिरा दिया जाए तो उस परपेंडिकुलर का नाम पूछा जा रहा है क्या होगा यहाँ पर, अगर जो क्यू के ऊपर गिराया जा रहा है पी आर से, ठीक है, तो ये हमारे मैं इसको नाम देता हूँ जेड का, तो क्यू जेड का ही वैल्यू हमसे पूछी जा रही है इनडायरेक्टली, ठीक है। आप सारे बच्चों को ये पता होगा अगर मैं ट्राइंगल का एरिया जानना चाहूंगा तो क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर तो मैं 90 डिग्री वाले को हाइट मानता हूँ और बेस इसको मान लूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको मानूँ बेस है तो हाइट इसका कितना होगा 10, क्लियर, ये हमारे पास आ जाएगा एरिया, और सब बच्चों को पता है कि पाइथागोरस लगाने के बाद 10 और 10 को अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो पी से लेकर आर तक की वैल्यू कितनी आएगी 10 रूट टू आएगी, ये निकालना आना चाहिए, एच का स्केयर इज इक्वल टू पी का स्केयर प्लस बी का स्केयर यूज करके जब आप लगाओगे ये 10 रूट टू आएगा, और अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया फिर से जानना चाहूँ तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब एक चीज सारे बच्चे ध्यान रखो, अगर मैंने हाइट इधर वाली उठाई है, सॉरी, अगर मैंने यहाँ पर बेस इधर वाला उठाया तो हाइट इसका 90 डिग्री वाला रहेगा, अगर बेस मैंने ये लिया है तो हाइट इसका 90 डिग्री वाला रहेगा, ये बात आप ध्यान रखना, बट बेस को हाइट से अगर प्रोडक्ट कर दे और हाफ कर दे
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है ये आपको पता होना चाहिए, हाफ से हाफ कटेगा ये हमारे पास, ठीक है, और पॉइंट से ये 0 से 0 कट गया, और रूट टू से जब इसको कट करोगे तो क्या उस जेड की वैल्यू आ जाएगी, 5√2, ये आपका सही उत्तर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसको बोलूँ क्या उस जेड किसके बराबर आएगा, आप बोलोगे सर 10/√2, यहाँ से 10 बचा था और ये √2 इधर जाएगा, और आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास 10 है उसको 5√2 * √2 लिखा जा सकता है, और 1√2 कट जाएगा, ये आपका उत्तर बन जाएगा 5√2, ये आपका टी ऑप्शन है। क्लियर, चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, उसी डीआई के ऊपर पूछा गया है। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन हाउ मेनी टाइम्स द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सैलरी, ठीक है। पहली बात तो रिसर्च वाले ये रहे, मैं यहाँ पर इसको दिखा देता हूँ दूसरे कलर से, रिसर्च वाले ये रहे, ये कितने हैं मेरे पास 5, और सैलरी वाले कितने मेरे पास 15, तो टोटल कितने हो गए मेरे पास ये 15 + 5 कितना हो जाएगा 20। 20 आपका टोटल का कितना पार्ट है, टोटल सबको ऐड कर लो 25, 17.5, 20, 10, 5, 15, 22.5 सबको ऐड करोगे, सबको ऐड करने के बाद आएगा ये हमारे पास 115, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं इनको ऐड करने के बाद, ये ऐड करने के बाद 115 निकल के आएगा सभी का एक्सपेंडिचर। तो मुझे पता है कि यहाँ पर 115 टोटल का है, और 20 से मैं अगर डिवाइड करूँ तो कितने टाइम इसको करना पड़ेगा निकल जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट इसका कितने टाइम होगा, यहाँ पर देखो 2 से कट कर दो, अगर आप इसको सिंपली 2 से कट करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 7, यहाँ पर आएगा 7, फिर आएगा 7.5, ये मैंने गलत लिखा है, बिल्कुल गलत लिखा है, क्योंकि तो अगर मैं इसको 2 से कट करूंगा ये आएगा मेरे पास यहाँ पर 5, फिर आएगा 7.5, और यहाँ पे एक 10 बचा हुआ था तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा, तो 5.75 टाइम्स रहा होगा, ये आपके इस क्वेश्चन का उत्तर। क्लियर, हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जीएस के 25 क्वेश्चनों के बारे में। इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिए इस चैनल के अंदर, अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनको भी देख सकते हैं। और इस आज की वीडियो के अंदर आपके यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर करें, ठीक है। और ये जो आपके पास पेपर होगा ये 12 अक्टूबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में जो आए थे क्वेश्चन, उसके बारे में हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट के बारे में कंप्लीट आपको जानकारी प्रोवाइड करवा दी है, ठीक। अगर आप में से कोई बच्चा इस चैनल के अंदर फर्स्ट टाइम यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहा है, तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें और अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर करें। इस चैनल के अंदर आपको सीएपीएफ के लास्ट 10 ईयर्स के पेपर मिल जाएंगे मैथ रीजनिंग के, और इसके अलावा आपको यहाँ पे आईबी के भी लास्ट ईयर के कुछ पेपर मिल जाएंगे, क्लियर। इसके अलावा आपको सी सेट के भी मैंने 2-3 पेपर अपलोड किए हैं, बट आने वाले टाइम में आपको लास्ट 10 ईयर्स के पेपर सी सेट के भी यहाँ पर अपलोड होके मिल जाएंगे, क्लियर। तो इसको आप चैनल को जरूर ज्वाइन करें। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, न्यू दिल्ली के अंदर जो लोटस टेम्पल है वो किस आर्किटेक्ट ने, कौन सी कंट्री के आर्किटेक्ट ने ये जो लोटस टेम्पल था वो यहाँ पे डिजाइन किया था। सबसे पहले लोटस टेम्पल का नाम लोटस टेम्पल इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी जो शेप है वो लोटस फ्लावर जैसे, इसलिए इसका नाम ही यहाँ पर उन्होंने लोटस टेम्पल के डिजाइन के ऊपर रखा हुआ है, क्लियर। और इसका आर्किटेक्ट की अगर मैं बात करूं नाम की, तो नाम आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, फुरी बर्च सबा, और ये ईरानियन है, तो इनका नाम आप यहाँ पे याद रखें। और 1986 में ये जो है टेम्पल बनाया गया था, क्लियर। और इसका जो मेजर पार्ट है आपको मैं क्लियर बता देता हूँ, जो मेजर इसका स्ट्रक्चर है वो प्योर व्हाइट मार्बल का बना हुआ है, तो ये अपने आप में एक अच्छा टेम्पल है और इंपॉर्टेंट वन भी है, क्लियर। चलते हैं अभी यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, सरकारी कमीशन उसने अपनी रिपोर्ट जो है कब सबमिट की। तो सरकारी कमीशन को सेटअप किया गया था 1983 में, और इसको सेटअप किस लिए किया गया था, क्योंकि जो यूनियन होंगे, यूनियन एंड स्टेट के बीच में जो भी आपस में इनकी पावर्स होंगी और इनकी आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, उनको एग्जामिन करना है और उनके ऊपर रिव्यू करके एक रिपोर्ट सबमिट करनी है कि वो काम ठीक से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उनके लिए सरकारी कमीशन जो है वो सेटअप किया गया था 1983 में, और इन्होंने अपनी जो रिमोट रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया था 1988 में, तो ये इसका सेकेंड का सही उत्तर होगा, ठीक है। चलते हैं अभी यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास यहाँ पे गिवन है, विच कंट्री इज टू ट्रेन इंडियन फ्लाइट सर्जियन टू अनेबल देम टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ एस्ट्रोनॉट सिलेक्ट फॉर द ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान, ठीक है। तो ये आपके पास इस कंट्री का नाम होगा यहाँ पे फ्रांस। फ्रांस यहाँ पे इंडियन जो फ्लाइट होंगे, इंडियन सर्जियन फ्लाइट होंगे, उनको हेल्प करेंगे, और इनका ये यहाँ पे ट्रेनिंग करने का पर्पस ये है कि 2022 के अंदर
इंडियंस को यहाँ पे स्पेस में सेंड किया जाएगा। और गगनयान मिशन के बारे में अगर बात करें तो गगनयान मिशन को बनाने में हेल्प करने में बनाने में हेल्प की है डीआरडीओ ने एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने। क्लियर, ये भी आप याद रखना, क्लियर। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके पास रूस की, तो रूस की आपको कैपिटल का नाम पता होना चाहिए मॉस्को, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर, क्वेश्चन नंबर फोर के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर के ऊपर चलते हैं, द फेमस गुप्ता पीरियड दशवंतरा टेम्पल। दशवंतरा टेम्पल की बात करें तो ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेशन करने के लिए एक टेम्पल बनाया हुआ है। ये कहां पे है ये आपसे पूछा जा रहा है, इंडिया के अंदर ये कहां पे है, देवगढ़ के अंदर, देवगढ़ के अंदर है ये, आप पॉइंट याद रखना प्रॉपरली। और ये आपको इस टेम्पल के अंदर 10 आपके पास यहाँ पर ऐसे इंटरकनेक्शन होंगे जो लॉर्ड विष्णु से इंटरलिंक कर किए जाते हैं, ठीक है, 10 कनेक्शन है प्रॉपरली। एंड ये जो आपके पास जो टेम्पल है ये बनाया गया था गुप्ता पीरियड के अंदर, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव के ऊपर चलते हैं, हाउ मेनी पर्सन हैज हैव सिलेक्टेड फॉर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019। खेल रत्न की अगर मैं अवार्ड की बात करूं तो ये स्पोर्ट्स के अंदर दिया जाता है, लास्ट 4 ईयर्स का जो उनका रिकॉर्ड होगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अगर परफॉर्मेंस उनका काफी अच्छा रहा होगा लास्ट 4 ईयर्स के अंदर, तो उनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये रिसेंटली 2 पर्सन को मिला है, तो आंसर इसका यहाँ पे डी ऑप्शन होना चाहिए। और यहाँ पर उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, एक तो इंडियन रेसलर है, फेमस रेसलर है यहाँ पे बजरंग पुनिया, इनका नाम पता होना चाहिए। एंड दूसरा हमारे पास नाम है दीपा मलिक, दूसरा नाम है हमारे पास दीपा मलिक, जो कि एक पैरा एथलेटिक है, ठीक है। ये इन दोनों को यहाँ पे अवार्ड मिला, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास गिवन है, हु अमंग द फॉलोइंग टू चार्ज एज द 39th प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई इन अक्टूबर 2019। सबसे पहले आपको बीसीसीआई के बारे में पता होना चाहिए, बीसीसीआई का अगर मैं हेडक्वार्टर पूछूं आपसे तो इसका हेडक्वार्टर होगा मुंबई में, क्लियर। और यहाँ पे 39th प्रेसिडेंट जो सेकंड पर्सन फ्रॉम इंडियन, यू कैन से फर्स्ट टाइम सौरव गांगुली, क्लियर। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं इंडियन की बात करूं तो इंडियन क्रिकेट के हिस्ट्री के अंदर ये सेकंड पर्सन इंडियन है जो यहाँ पर बीसीसीआई के यहाँ भी रिसेंटली प्रेसिडेंट बने, क्लियर। ये आपने याद रखना, इससे पहले थे सीके खन्ना, ये भी आप सारे बच्चे ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन ऑफ प्लांट्स डज नॉट हैव ए वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी। डिफरेंशिएटेड बॉडी मतलब इसका एक ऐसा हमारे पास बॉडी का डिजाइन होगा जो कि सिमिलर ना हो, चेंज होता रहे, तो इनमें से कौन सा होगा, इनमें से है हमारे पास थालोफाइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक ऐसा हमारे पास प्लांट का ग्रुप होता है जिसको हम अलगाइड नाम से भी जानते हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जितनी भी आपके पास इनके साइज होंगे या फॉर्मेशन होगी वो हमेशा डिफरेंट डिफरेंट होती है और काफी ज्यादा चेंज होता है, तो इसका ये आपने आंसर याद रखना है, ठीक है। बाकी सभी का सिमिलर होता है, प्लांट भी सिमिलर होते हैं, सिमिलर टाइप के होते हैं, और उनके जो लीव होते हैं, पत्तियां होती हैं, वो भी सिमिलर होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास हो, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द मस्ट बी द राइट आंसर। एंड नहर काटिया आपको पता होना चाहिए, नहर काटिया हमारे पास असम में, तो ये असम की यहाँ पर एक पाइपलाइन है, असम से यहाँ पर नुनमट्टी जो कि असम में है, क्लियर। और वहां से हमारे पास बरौनी हमारे पास बिहार में, बिहार तक कितनी बड़ी है आपके पास पाइपलाइन है जो कि इंडिया की यहाँ पे फर्स्ट यू कैन से फर्स्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन, क्लियर। तो ये आप सारे बच्चे ध्यान रखना, ठीक है। और इसकी यहाँ पर अगर मैं लेंथ की बात करूं तो इसकी लेंथ नियर अबाउट 1167 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। तो सारे बच्चों को मैं एक पॉइंट बता देता हूँ, सबसे इंडिया की अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंडिया के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट पाइप अगर मैं बात करूं, लॉन्गेस्ट पाइपलाइन है 1750 किलोमीटर की, कहाँ पर है और कौन कौन से कनेक्शन वहां पे हैं वो आप सारे बच्चे एक बार कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन और 9 नंबर के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडियन ओशियन सुनामी 2004। इसका एक और नाम से भी इसको जाना जाता है जिसको बोल दिया जाता है बॉक्सिंग डे ऑफ ए सुनामी, तो ये भी इसका एक अलग नाम है, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे मैग्नीट्यूड कहाँ क्या रही होगी जब ये आया था 2004 के अंदर, अगर इसका बॉक्सिंग डे सी नाम आप ये ऐसे याद कर लो कि काफी बड़ा रहा होगा, और यहाँ पर ये इसका सही उत्तर है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, क्लियर। इसका आपने आंसर याद रखना है, और इसके साथ साथ आपने ये भी याद रखना है कि अगर मैं रिचर स्केल की बात करूं, व्हाट इज रिचर स्केल, अगर मैं यहाँ पे रिचर स्केल की बात करूं, रिचर स्केल जो है वो चार्ल्स एफ निम ने बनाया था,
इनका नाम आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, चार्ल्स एफ फ्रीचर्स। ये सारे बच्चे जरूर याद रखना। और 1934 में इन्होंने ये डेवलप किया था। ये बनाया इसलिए किया था ताकि जो हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा बड़ी बड़ी वेव का, उसको रिकॉर्ड कर पाए, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हमने यहाँ पे इसकी वेव को यहाँ पे रिकॉर्ड भी किया था, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट डज ENIAC स्टैंड फॉर? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर। तो सेकंड ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इसका आपको फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चलते हैं 11 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी हैज अ हाईएस्ट शेयर इन द इंडियन GDP? तो इंडियन GDP के ऊपर अगर बात करें यहाँ पे, तो सबसे हाईएस्ट शेयर यहाँ पर इंडिया के थ्रू कौन से यहाँ पर सेक्टर के थ्रू है? इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चर और एग्रीकल्चर। तो करेक्ट आंसर है इसका यहाँ पे सर्विस सेक्टर। पहले नहीं था बट बाद में ये सर्विस सेक्टर भी हो चुका है हाईएस्ट। पहले हमारे पास यहाँ पे LPG मॉडल नहीं आया था, तो LPG मॉडल के बाद में ही ये सर्विस सेक्टर जो है हाईएस्ट शेयर मार्केट शेयर बन चुका है यहाँ पर इंडियन GDP के ऊपर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, द F7 की इज कॉमनली यूज इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक एटसेट्रा। फोर जो F7 शॉर्टकट है वो अगर मैं उसको प्रेस करूंगा अपने यहाँ पे लैपटॉप में, तो अगर मैंने यहाँ पे वर्ड फाइल ओपन की हुई है या फिर आउटलुक ओपन किया हुआ है या माइक्रोसॉफ्ट का कुछ ओपन किया हुआ है, तो वहां पर माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड जो मैंने ओपन किया होगा, तो वहां पर कौन सा फंक्शन आपका ऑपरेट हो जाएगा एक की प्रेस करने पे? एक तरीके से इसको बोलते हैं शॉर्टकट की, क्लियर। तो अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर आप चेक कर लेना, चेकिंग एंड स्पेलिंग ग्रामर जो होंगे वो आपके ऑटोमेटिकली चेक होने स्टार्ट हो जाएंगे, और ये इसका आंसर है, क्लियर। इसके अलावा आपको बाकी भी पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ओपनिंग हेल्प के लिए, ओपनिंग हेल्प के लिए अगर आप विंडो के साथ अगर आप F1 की को प्रेस करोगे तो आपकी यहाँ पे हेल्प ओपन हो जाएगी, चाहे वो वर्ड की हो, चाहे वो आउटलुक की हो या किसी की भी हो, ठीक है। तो ये बात आप प्रॉपरली ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रीनेमिंग के लिए हमारे पास F2 प्रेस करोगे तो आपका रीनेम होना स्टार्ट हो जाएगा, रीनेम आप कर पाओगे। और सर्च करने के लिए किसी भी कंटेंट को यहाँ पे वेरियस एप्स के ऊपर आप जस्ट यहाँ पे विंडो वाले आइकन को प्लस विंडो के साथ अगर क्यू को प्रेस कर दोगे, विंडो की एंड प्लस क्यू को प्रेस करोगे तो आपका सर्च कंटेंट भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आपने थोड़े बहुत जरूर याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, द नेशनल गेम ऑफ भूटान पूछा गया एंड द करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन आर्चरी। और भूटान का आपको एक और नाम भी यहाँ पे याद रखना है, लैंड ऑफ ड्रैगन भी इसका नाम है। लैंड ऑफ ड्रैगन के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। ये इसका एक अलग नाम है भूटान का। और अगर मैं भूटान के आपके पास पूछूं इसकी कैपिटल या फिर सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन है, तो उसका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, थिम्पू, THIMPU, क्लियर। ये आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक प्रिंट द करेंसी नोट्स इन इंडिया एंड द करेक्ट आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर मैं 2016 की बात करूं, 2016 के अंदर 500 के, 500 के एंड 1000 के नोट जो है बंद हुए थे 2016 के अंदर, तो उसके बाद में जो न्यू करेंसी आई है सारी की सारी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही वो सारी की सारी प्रिंट की है। तो इनके ऊपर काफी वर्कलोड भी हुआ था उस ईयर के अंदर, तो ये आप ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए ऑप्शन, ठीक है। नबार्ड आपके पास एक एग्रीकल्चर बैंक है, एग्रीकल्चर टाइप के बैंक है, और ICICI आपके पास एक अलग बैंक है जो कि प्रिंट नहीं करता, ठीक है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 43rd नंबर लार्जेस्ट बैंक है, बट ये भी आपका प्रिंटिंग के लिए काम नहीं आता, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। During the phenomenon of aphelion, the approximate distance between the Earth and the Sun is 152 million kilometers. Clear? ये आप सिर्फ याद रखना, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। What is the symbol of tin? Tin का सिंबल होता है हमारे पास SN. काफी बच्चे टिन को देखकर TI इसका उत्तर लगाते हैं, बट वो गलत आंसर है। करेक्ट आंसर इज SN और इसका एटॉमिक नंबर 50 होता है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। What is the approximate speed of sound in distilled water at 25 degree? सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर आप यहाँ पे ध्यान रखना, इसका आंसर होगा यहाँ पे 1498 मीटर पर सेकेंड। और जो आपके पास ये साउंड की स्पीड होती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये इफेक्ट करती है, अगर टेम्परेचर इसका कम होगा तो ये इफेक्ट करेगी उसके अकॉर्डिंग, क्लियर। अगर 25 डिग्री के ऊपर अगर चेक करेंगे तो इसकी स्पीड इतनी रहेगी, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और इसके साथ ये भी आपको पता होना चाहिए डिस्टाइल्ड वाटर के लिए हमारे पास स्पीड की जो रेंज होगी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड वो 1450 से लेकर 1498 तक हो सकती है, इसके बीच में कहीं ना कहीं वेरी कर सकती है। और अगर मैं बात करूं सी वाटर, ये जैसे आपके पास डिस्टाइल्ड वाटर है, ऐसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे सी वाटर के अंदर अगर मैं यहाँ पर इसी की स्पीड की बात करूंगा तो वो हमारे पास 1500
31 के आसपास हो सकती है, 1531 मीटर पर सेकंड। तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटर इन स्टेट, एंड द करेक्ट आंसर इज 168। ये बात आप सारे बच्चे ध्यान रखना, और बाकी भी आपको यहाँ पे प्रॉपरली पता होने चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 165, ये हमारे पास किस कौन ये जो आर्टिकल है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 165 आर्टिकल रिप्रेजेंट करेगा एडवोकेट जनरल के लिए, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। ये स्टेट के लिए बट एडवोकेट जनरल के लिए होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे 163 के लिए, तो 163 आपके पास डिसाइड करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए डिसाइड करेगा, उनको एडवाइस गवर्नर को एडवाइस करने के लिए, ठीक है। ये भी आपके यहाँ पे ध्यान में होना चाहिए। और 167 की बात करूं तो 167 आपके पास होगा ड्यूटीज ऑफ सीएम के लिए, जो सीएम की ड्यूटीज हैं, ड्यूटी होंगी उनकी, उसको प्रॉपरली रिस्पेक्टफुल तरीके से वो निभाए और उनके लिए इन्फॉर्मेशन इसके लिए प्रोवाइड भी करे, ठीक है। मतलब उनकी ड्यूटीज की इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जाए और वो ड्यूटी सीएम अपनी अपनी वहां पे अच्छे ढंग से निभाए। तो ये 167 आर्टिकल होगा, क्लियर। और ये आपको दोनों तीन जो मैंने बताए ये भी आपको थोड़े बहुत डिटेल में पता होने चाहिए, अगर आप अच्छे पेपर के लिए अच्छे ढंग से आप तैयारी कर रहे हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द सिटी हैदराबाद, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, निजामुल मुल्क। और ध्यान रखना, आपको हैदराबाद के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। हैदराबाद यहाँ पर अभी कैपिटल, पहले सिर्फ एक स्टेट का था, अभी वो दो स्टेट का कैपिटल है, एक है आंध्र प्रदेश एंड सेकेंड इज तेलंगाना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। द नॉवल चाणक्य विच वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2019 वॉज इन विच लैंग्वेज, तो इसका करेक्ट आंसर है आसामीज। जो साहित्य अकेडमी अवार्ड होगा ये हमारे पास 24 लैंग्वेज के अंदर प्रोवाइड कराया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट नॉवल्स के ऊपर। तो 24 लैंग्वेज में से 2019 में इसको आसामीज में मिला था, ये आप ध्यान रख, आसामीज लैंग्वेज के अंदर मिला था, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर चलते हैं। हाउ मेनी वेस्ट अफ्रीकन नेशन अग्री टू चेंज द नेम ऑफ देयर कॉमन करेंसी फ्रॉम CFA फ्रांक टू इको इन दिसंबर 2019, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 8। 8 कंट्रीज ने यहाँ पे वेस्ट अफ्रीकन नेशन जो है उन्होंने यहाँ पर अपनी करेंसी यहाँ पे चेंज की है। और ध्यान रखना, आपको यहाँ पर एक पॉइंट में बता देता हूँ, जो हमारे पास CFA फ्रांक्स के बारे में, तो यहाँ पर इनके जो नोट्स हैं, या फिर इसके नोट्स के अलावा मैं बात करूँ, इनके नोट्स के अलावा जो इनके क्वाइन है वो सारे के सारे डिजाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं बाय बैंक ऑफ फ्रांस। तो ये आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए, बैंक ऑफ फ्रांस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं। इथोपिया फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च फ्रॉम विच कंट्री स्पेस स्टेशन इन दिसंबर 2019, एंड द करेक्ट आंसर इज चाइना। चाइना ने इथोपिया का यहाँ पे फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो ये आपने सिर्फ इसका नाम इंपॉर्टेंट है, कहाँ से लॉन्च हुआ है, चाइना से, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। मोस्ट ऑफ द एटमोस्फेरिक ओजोन इज फाउंड इन विच ऑफ द लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फीयर। इसके अंदर अगर अजोन की बात करें यहाँ पे एटमोस्फेरिक अजोन की, तो 90% के अप्रोक्स यहाँ पर अजोन लेयर इसी लेयर में आ जाती है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं। मिस यूनिवर्स 2019 इज द नेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीकन एक यहाँ पे लेडी है, उनका नाम मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, बट आपको यहाँ पे इनका कंट्री का नाम भी पता होना चाहिए साउथ अफ्रीका से। तो इनका नाम है जोजी बिनी तुंजी। इन्होंने ये अभी किताब हासिल किया है मिस यूनिवर्स 2019 का, और इससे पहले इन्होंने मिस साउथ अफ्रीकन 2019 भी पहले इन्होंने जीता हुआ है, तो ये भी आप प्रॉपरली ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है 42 द फोक म्यूजिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, एंड द करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपको 42 का यहाँ पर आपको भर्ती के बारे में पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये जो फोक म्यूजिक है ये किसी रिवर से इंटरलिंक करेगा, और ये यहाँ पे माना जाता है, रिलेट किया जाता है कि जो बोट्समैन होते हैं वो गाना गाते हैं रिवर के साथ चलते चलते, तो इसके अकॉर्डिंग ये फोक म्यूजिक यहाँ पे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है एक तरीके से, ठीक। और इसलिए काफी फेमस भी है वेस्ट बंगाल का, क्लियर। तो आज हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे SSC CHSL एग्जाम के बारे में, जिसके अंदर आपको इंग्लिश के क्वेश्चन जो आए थे 12 अक्टूबर 2020 के अंदर, तो उसका ही हम यहाँ पे सेकंड शिफ्ट का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। 25 क्वेश्चन आए थे, 25 का हम कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे, क्या क्वेश्चन आए थे, किस तरीके का लेवल आया था, वो सारा कुछ, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको 12 अक्टूबर से जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट आई थी, मॉर्निंग शिफ्ट आया था 12 अक्टूबर को, जो मॉर्निंग शिफ्ट का GS का, इंग्लिश का, मैथ का, रीजनिंग का, पूरे का पूरा एनालिसिस मैंने 100 क्वेश्चनों का आपको ऑलरेडी कवर करवा दिया है।
अगर किसी ने भी देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और आने वाले टाइम के अंदर और मैंने कुछ वीडियोस और भी अपलोड की हैं अदर एग्जाम की, उसके भी पीवाईक्यू अपलोड किए हैं। अगर अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं पीवाईक्यू के थ्रू से, तो ये आपको चैनल सबसे ज्यादा बेस्ट रहने वाला, ठीक है। तो आप जरूर इस चैनल को ज्वाइन करें और अपने फ्रेंड सर्कल को जरूर यहाँ पे इन्वाइट करें। अगर आप इस चैनल के अंदर फर्स्ट टाइम आए तो अभी जल्दी से ज्वाइन कर ले, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, जहां पर सबसे रॉन्गली होगा स्पेलिंग वाला वर्ड वो हमने यहाँ पे फाइंड करना, ठीक है। तो अगर आपने कभी भी ब्रांड एम्बेसडर का नाम सुना होगा तो कभी भी सिंगल एस से नहीं आता, डबल एस आती है वहां पे, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है यहाँ पे रॉन्गली स्पेलो का, बाकी सारे के सारे उत्तर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर पूछा गया हमारे पास यहाँ पर सनोनियम ऑफ ए वर्ड दिस अगाई, ठीक है। तो इसका मतलब होता है हमारे पास यहाँ पर क्विकली मूवमेंट। क्विकली अगर कोई भी मूवमेंट होती है तो उसको हम यहाँ पे अगाइल बोल सकते हैं, और क्विक मूवमेंट को ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, निबल बोलते हैं। और यही आपका इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, क्लियर। विजिबल तो सबको पता होगा कि हम सिंपल किसी को देख सकते हैं तो दैट कैन बी विजिबल। एंड गल का मतलब क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, एक अपनी प्रशंसा करना, इंटेलिजेंस अपनी दिखाना, ठीक है। तो इंटेलिजेंस ही दिखाने को हम यहाँ पर गल वर्ड से इंटरलिंक करेंगे। और डासाइल का मतलब होगा एक तरीके से पूरा का पूरा कंट्रोल जो होगा आपका, उसको एक्सेप्ट कर लेना, रेडी कर लेना, रेडी कर लेना अपने आप को एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंट्रोल, आपका कंट्रोल कई बार किसी और के हाथ में चला जाए या आपके हाथ में चला जाए, तो अपना कंट्रोल यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर लेना किसी और के हाथों के थ्रू, तो उसको हम यहाँ पे डोसाइल बोल देंगे, ठीक है। इसको आप स्लेवरी वर्ड से भी इंटरलिंक कर सकते हैं, क्लियर। चलते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमें हमारे पास यहाँ पर इडियम पूछा गया है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब कुछ करके दिखाना होगा, वर्ड से कोई बात नहीं बनेगी, बोलने का कोई फायदा नहीं है, कुछ आपको करना चाहिए। तो इसका यहाँ पर इडियम का मतलब क्या होगा, सिंपल आप सभी ऑप्शन को यहाँ पे चेक कर लो। इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है किसी को कुछ कहना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है व्हाट यू डोंट से, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। इसका मतलब सिंपल है कि बेहतर है कि आप यहाँ पे वर्ड से कोई बात मत करें, कुछ काम करके दिखाएं। तो सिंपल आपको थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, व्हाट यू डू रिवील द रियल यू। तो दैट इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। क्वेश्चन नंबर फोर हमारे पास सोनोनियम पूछा गया है, सोनोनियम ऑफ फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है कि मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको पता है कि यार वो पर्सन जो है वो आपका बॉस है या कोई आपका सीनियर है या जूनियर कोई भी हो सकता है, बट आपको एक फीलिंग आने लग जाती है यार उससे ना मैंने हाइड होके रहना है, अपने आप को यहाँ पे अवॉइड करके रखना है। तो वो फीलिंग जो होती है अपने आप को अवॉइड करवाना किसी और पर्सन से, उसको बोलते हैं यहाँ पे फर्टाइल, क्लियर। और इसका सोनोनियम यहाँ पे अदैसी तो नहीं होगा, अदैसी होता है कि एक सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पे हमने रख दिया और वो रखने के बाद वो सरफेस के साथ साथ ऐसे ऐसे मूवमेंट करवाना, तो वो होती है अदैसी प्रॉपर्टी, ठीक है। वाटर क्या बोल सकते हैं, वाटर की टेबल के साथ जो प्रॉपर्टी होती है वो अदैसिव नेचर की होती है। तो पॉजिटिव नेचर तो सबको पता है, ये भी इसका कोई यहाँ पे इस फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है पॉजिटिव नेचर का, ठीक है। अबॉर्टिव का मतलब भी यहाँ पर फीलिंग वाला नहीं होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो। अबॉर्टिव का मतलब होता है यहाँ पर फेलिंग टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड रिजल्ट, मतलब आपने कोई रिजल्ट बनाना है उसके लिए प्रॉपरली आप फेल हो रहे हो, फेलर हो जाना किसी रिजल्ट बनाने के लिए, उसके लिए हम यहाँ पर अबॉर्टिव का वर्ड यूज करेंगे। इसका मतलब ये इसका सिनोनिम नहीं है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड होगा, ठीक है। चलते हैं फिफ्थ नंबर पे। क्वेश्चन नंबर जब फिफ्थ आपके पास आएगा, क्लोन टेस्ट मैंने आपको लास्ट जब इंग्लिश का यहाँ पर आपको फर्स्ट मॉक टेस्ट फर्स्ट आपको यहाँ पे शिफ्ट करवाया था, मैंने तब भी बताया था कि आप ट्राई किया करो वीडियो को पॉज करके इतना इतना सा सेंटेंस एक बार पढ़ के देखो, ठीक है। आपको आधी सेंस से तो वैसी चीजें समझ आ जाएंगी, क्योंकि इसमें सीएचएसएल में हाई लेवल नहीं पूछा जाता है एज कम्पेयर टू बैंक और सीजीएल या फिर कोई और एग्जाम, एसएससी सीएचएसएल में नॉर्मल लेवल ही आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले सेंस बनानी आनी चाहिए, उसके लिए इस पैसेज को एक दो बार पढ़ लो अभी के लिए, कोई बात नहीं पेपर में तो पेपर वाली कंडीशन देखेंगे, अभी के लिए आप यहाँ पे जरूर एक दो बार ट्राई करो कि यार इसका उत्तर ये हो सकता है, एक बार वीडियो को पॉज करके ना ट्राई किया करो ताकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी बूस्टअप हो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, द चॉइस वी मेक इन लाइफ डिटरमाइन हु वी आर, हमारी जो लाइफ है, हमारी ये लाइफ है उसकी जो च्वाइस होंगे वो डिटरमाइन करेंगे कि कौन हम है, ठीक है। वंस लाइफ इज डैश मार्क्ड बाय द एक्सेम्पलरी च्वाइस वन हैज मेड, यहाँ पर देखो एक लाइफ जो है वो डैश मार्क के लिए हो गया एक्सपम्पलरी, इसका मतलब होता है लाइफ को अच्छा बनाना। अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रेयरली काम थोड़ा करना पड़ेगा, रेयरली होता है कभी कभी काम करना, अगर कभी कभी काम करेंगे तो लाइफ की च्वाइस हम अच्छी थोड़ा बना सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया हमारे पास। सेल्डम एंड नेवर भी गलत हो गया, क्योंकि हम अपनी लाइफ को अच्छा बनाएंगे तो ऑफ्टन काम करना पड़ेगा, ऑफ्टन का मतलब होता है यहाँ पर थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको काम करना, एक तरीके से मैनी टाइम्स काम करना, ठीक है। तो अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे हमें ऑफ्टन ही काम करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी आपको यहीं पे पढ़ना पड़ेगा और लिखा हुआ है यहाँ पर वन हैज डैश मेड वंस जर्नी, मतलब वन हैज अपनी जर्नी के साथ वो क्या करे, टूवर्ड हो जाए, टूवर्ड नहीं आएगा, ये सारी की सारी प्रेपोजिशन है। इनटू का मतलब होता है कि यहाँ पर एक पोजिशन है उसके अंदर चल के यहाँ पे बाहर निकल जाना, मतलब एक तरीके से रूम में एंट्री लेना या ऐसे वहां पर यूज कर सकते हैं। अलॉन्ग इसका आंसर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अपॉन होता है कि यहाँ पर कोई सरफेस है उसके ऊपर कुछ आ जाना, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, सिर्फ अलॉन्ग आएगा कि अपनी जर्नी के साथ साथ होना, ठीक है, अपनी जर्नी के साथ साथ ये भी काम करना पड़ेगा, मतलब हमारी लाइफ चलती भी जानी चाहिए और अलॉन्ग उसके यहाँ पे हमें अपनी पोजीशन को, हमें अपनी चॉइसेस को इंप्रूव भी करना चाहिए, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड। चलते हैं अभी सेवन नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फोर के ऊपर अगर आप जाना चाहते हो तो आपको ना भाई ऑप्शन से भी हिट एंड ट्रायल कई बार क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर ले, भी यहाँ पे लिखा हुआ है द मेगा आइकन रतन टाटा हैज डिस्क्राइब हिज जर्नी डैश बीइंग ए 7 ईयर ओल्ड बॉय, डैश बीइंग ए 7 ईयर ओल्ड बॉय, तो यहाँ पे अबव होगा, अबव थोड़ा होगा साथ, अबव का मतलब होता है एक हमारे पास यहाँ पे सरफेस है उसके ऊपर हमने बॉल यहाँ पे लटका दिया, तो इसके ऊपर बॉल है अबव, ठीक है, तो अबव तो आने वाला नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फोर, तो फोर हमारे किसी प्लेस के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे कोई प्लेस का यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे प्लेस का नहीं, यहाँ पर एक पॉइंट का यूज हो जाता है, तो पॉइंट यूज करने के लिए आपको फ्रॉम में यूज करना पड़ता है, थोक यहाँ पे यूज किया जाता है, ये वहां पे यूज किया जाता है जहां पर आपके पास कोई ना कोई फैक्ट हो, तो फैक्ट वाली तो बात यहाँ पे भी नहीं कर रहे, तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। फ्रॉम आएगा, फ्रॉम होता है एक पॉइंट के ऊपर जब मैं बात करूं यहाँ पे फ्रॉम से बात करें, फ्रॉम बीइंग ए 7 ईयर ओल्ड बॉय, यही इसका प्रॉपरली सेंस बना पाएगा फ्रॉम, क्योंकि ये पॉइंट डिनोट करेगा, प्लेस और यहाँ पे फैक्ट नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत होगी। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन नंबर हमारे पास फोर नंबर आ चुका है यहाँ पे। इसमें लिखा हुआ है 7 ईयर ओल्ड बॉय हु प्लेड हिज डैश इन द फ्रीडम स्ट्रगल, हु प्लेड हिज डैश इन द फ्रीडम स्ट्रगल, कोई फ्रीडम स्ट्रगल है उसके अंदर उसने डैश वहां पे काम किया। पार्ट इन अगर आपने कभी पढ़ा हुआ है तो हमेशा पार्ट इन वर्ड ही यूज किया जाएगा, पार्ट ऑफ, पार्ट फ्रॉम, पार्ट विद बिल्कुल नहीं होगा। फ्रॉम कहाँ पे यूज होता है, अभी मैंने बताया था पॉइंट के लिए, तो पॉइंट तो यहाँ पे नहीं है कि उसने फ्रीडम के अंदर काम किया है, तो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए काम उसने जाकर किया है, तो इन जाके किया होगा, तो ये आपका उत्तर ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन वैसे ही गलत है, तो ये फ्रॉम भी आपका गलत हो जाएगा, क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अभी नेक्स्ट फाइव के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी बहुत आसानी से आप कवर कर सकते थे, यहाँ पे देखो सिंपल आपको पढ़ना पड़ेगा, अब यहाँ पे रतन टाटा की बात हो रही है, ऊपर से उन्होंने यहाँ पे अपनी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए भी बात की है, और यहाँ पर आगे देखो उसने टू व्हीलर के थ्रू विच बिकम द वर्ल्ड मोस्ट डैश कार ऑफ टाटा नैनो, ठीक है, आपने टाटा नैनो का नाम सुना होगा, वैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कार लिखा हुआ है तो कार हमारे पास एक नाउन है, तो नाउन के आगे क्या आता है, अगर मैंने ग्रामरी कर ली इसको करेक्ट करना होगा, तो नाउन के आगे हमारे पास आता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हमारे पास कौन कौन है ये तो नहीं है, बी ऑप्शन गलत हो गया, डी ऑप्शन गलत हो गया, बच गए दो ऑप्शन, और यहाँ पर इकोनॉमिकल है, एक है इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक आपका एक इकोनॉमिकली वर्ड यूज होता है रिलेटेड टू इकोनॉमिक, इसका यहाँ पे कोई सेंस नहीं आएगा कि कार यहाँ पे सस्ती है महंगी, इससे कोई नहीं पता चला पाएगा, ठीक है, बट अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं इसका मतलब होता है ज्यादा महंगी नहीं है, नॉट वेस्टेबल, वर्ल्ड की सबसे यहाँ पर नॉट वेस्टेबल वाली कार क्या होगी, यहाँ पे टाटा नैनो होगी, तो ये प्रॉपरली सेंस बनाएगा इसका, ये आपका उत्तर सही है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका फिर से एडियम का दिया हुआ है, ए पीस ऑफ ए केक, ए पीस ऑफ ए केक को सिंपल आप याद रखें, समथिंग वेरी इजी, समथिंग इज इजी इज कॉल्ड ए पीस ऑफ ए केक, क्योंकि अगर मैं पूरा ऊपर केक की बात करूंगा, केक आपका बड़ा होगा, उसमें से एक पीस लेना जो कि सब बच्चे खा ही लेते हैं बर्थडे पार्टी के अंदर, या वैसे ही केक का छोटा पीस आपको पता होगा बहुत आसानी से मिल भी जाता है, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है, बड़े केक होते था कुछ और होता तो डिफिकल्ट या कुछ और सिचुएशन बनाते, इजी केक मिल जाएगा, छोटा केक, केक का एक छोटा सा पीस लेना बहुत आसानी बात है, तो सी ऑप्शन आपका उत्तर सही है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, एंटोनियम ऑफ ए रिजर्व्ड का मतलब क्या होगा, अगर आपको इसका मतलब पता है तभी आप इसका इनवर्स या एंटोनियम फाइंड कर सकते हैं, एंटोनियम का मतलब है ओपोजिट फाइंड करना, ठीक है, तो रिवर्स का मतलब ऐसा होता है कि फ्रेंडली के ओपोजिट, मतलब फ्रेंडली क्या होता है, जल्दी से अपने थाउट, जल्दी से अपनी आइडियाज आप किसी भी फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं इजिली, बट ये रिवर्स का बिल्कुल ओपोजिट होता है, रिवर्स वो होता है जो अपनी आइडियाज को, यहाँ पर आइडिया हो सकता है थाउट को हो सकता है, ठीक है, वो जल्दी से रिवील ना करे, दिखाई ना दे, वो अपने अपने आइडिया को छिपा कर रखता रहे, किसी से बात ना करे, उसके लिए उसको बोलते हैं रिजर्व। तो इसका अगर मैं सनोनियम बोलूं, सनोनियम होगा रेटिसेंट, रेटिसेंट भी सिमिलर ही होता है, ऐसा कोई पर्सन जो अपना आइडिया वगैरह नहीं बता सकता, ठीक है, तो इसका उसने एंटोनियम पूछा था, एंटोनियम इसका फ्रेंडली बिहेवियर होगा, ये इसका सही उत्तर है, क्लियर।
फोर गिविंग का तो मतलब हर एक बच्चे को पता होगा, फोर गिविंग का मतलब सिंपल है कि किसी को हमने फोर गिव कर दिया, माफ कर दिया। कॉवर्डली का मतलब होगा यहाँ पे लैक ऑफ करेज, की करेज है जो भी आपके पास हिम्मत है उसको हमने यहाँ पे अपनी हिम्मत नहीं दिखाई, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप अगर आपको वर्ड्स का मतलब पता होगा तो जल्दी से आप इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। एक और क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। 12 नंबर एक पैरा जंबल का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास चार सेंटेंस है, इनको करेक्ट फॉर्मेशन में ऑर्डरिंग में हम कैसे लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं पैरा जंबल। ठीक है, मैंने लास्ट में भी बताया था इसको कैसे हिट एंड ट्रायल करना चाहिए। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो हमेशा सबसे पहला स्टेटमेंट वही होता है जहां पे फर्स्ट लिखा आपको मिले, या फिर ऐसा होता है जहां पे किसी की बात स्टार्ट हो, किसी का नाम स्टार्ट हो। ठीक है, राम लिखा होगा तो ठीक है, अगर ही लिखा होगा तो सेकंड वाला पर्सन, सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, राम लिखे वाले को हम फर्स्ट यूज कर लेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल को हम यहाँ पे डी को हम फर्स्ट वर्ड मानेंगे, तो डी आपका पहला होगा, डी एंड ए ऑप्शन इलिमिनेटेड, डी से स्टार्ट होगा सेंटेंस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए वॉली ऑफ ए गन्स अनाउंसिंग एम्पायर बहादुर शाह एंट्री इन टू द मॉस्क्यू। अगर एंट्री कर रहा है यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एम्पायर जिसका नाम है बहादुर शाह, तो आगे क्या होगा, उसके आगे देखो सिंपल आपके पास लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द प्लाटून, ये तो इसका कोई मतलब नहीं है, एट द एंड नहीं, अभी तो एंटर किया उसने, एंटर करने के बाद क्या किया उसने, देखा यहाँ पे टू डेकोरेटेड एलिफेंट उसके सामने खड़े हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही बैठेगा, डी के साथ भी, कि एम्परर के साथ यहाँ पे दो डेकोरेटेड एलिफेंट उनके सामने खड़े हैं, और उन एलिफेंट के पीछे अगर बात करें बिहाइंड देम यहाँ पर कैमल्स हैं जिन्होंने ड्रम एंड यहाँ पे स्मॉल गन जो है वो कैरी की हुई है। ठीक है, तो डी के साथ क्या आएगा, ए आएगा और सी हमारा लास्ट में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्लियर, एक बार दोबारा से सेंस बनाओ आपको और भी क्लियर होगा। चले अभी यहाँ पे 13 नंबर के ऊपर। 13 नंबर क्वेश्चन आपका ग्रामरिकल एरर से पूछा गया है, आइडेंटिफाई करके बताना है कि यहाँ पर आपका कौन सा स्टेटमेंट इनमें से रॉन्ग होगा। अगर आपने कभी भी ग्रामर के बारे में पढ़ा होगा सबसे पहली कहानी आती है टेंस की। ठीक है, टेंस के अंदर भी अगर आपने पढ़ना होगा तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज नाउन, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब, वर्ब सिंगुलर कब होती है, प्लूरल कब होती है, ये अगर पता होगा तभी क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, और अगर टेंस नहीं पता तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये यहाँ पर प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। प्रेजेंट वो लिखा जाता है जो एक नॉर्मली आपकी नॉर्मली एक सही बात बोल दी जाती है, राइट बात। ठीक है, हैबिट को हम प्रेजेंट के अंदर बोल देते हैं, तो ऐसे इसकी कुछ कंडीशन है। ठीक है, अगर आप इस लाइन को पढ़ोगे तो ये आपके पास बन के आएगा यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग मीनिंग द राइट टू एक्सप्रेस वन ओन कन्विक्शन एंड बिलीफ, दिस इज वॉट, दिस इज ए सिंपल प्रेजेंट। तो अगर सिंपल प्रेजेंट के बारे में आपको पता होगा कि यहां पर अगर मैं नाउन लिखूंगा तो वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी, ये तो आप सब बच्चों को पता है, जहां पे नाउन होगा वर्ब आएगी। कैसे आएगी, अगर नाउन हमारे पास यहाँ पे सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर नाउन हमारे पास प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब यहाँ पे काफी बच्चों को एक डाउट होता है, उसको मैं डाउट को अभी क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से आप समझ लेना। ठीक है, ये यहाँ पे अभी मैं पूरी एग्जाम्पल तो नहीं दे पाऊंगा, बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। अगर मैं नाउन की बात करूं, अगर नाउन मेरे पास सिंगुलर है और एक जगह में नाउन मेरे पास प्लूरल है, तो पता कैसे चलेगा, अगर सिंगुलर है तो उसके साथ एस या ई एस नहीं लगा होना चाहिए, और अगर प्लूरल है तो उसके साथ एस या ई एस लगा होना चाहिए, इससे आपको नाउन के बारे में पता चलेगा सिंगुलर प्लूरल है। तो सर वर्ब में भी ऐसे ही होता है, वर्ब में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, वर्ब के अंदर अगर मैं सिंगुलर की बात करूं तो वर्ब के अंदर सिंगुलर वर्ब उसको मान दिया जाता है जिसके साथ ई एस या एस या फिर ई एस लगेगा, और यहाँ पे प्लूरल वर्ब उसको मान लिया जाता है जिसके साथ एस या ई एस नहीं लगता। तो ये काफी बच्चों को नहीं पता, आई होप आपको ये बेसिक थोड़ा सा पता चल गया होगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूं फ्रीडम की, तो फ्रीडम हमारे पास यहाँ पे एक नाउन है, नाउन हमारे पास फ्रीडम कौन सा है, सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो इसकी वर्ब हमारे पास मीनिंग से निकल के आएगी, क्योंकि एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे मीनिंग को, और मीनिंग के साथ आई एन जी तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट में आई एन जी नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सर क्या आएगा, फिर मीन आएगा, मीन क्यों आएगा भैया, अगर मेरे पास नाउन यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और वर्ब सिंगुलर वाले के साथ एस या ई एस लगा होना चाहिए, तो यहाँ पे मीन्स आएगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ये ठीक रहेगा, करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन। आई होप आपको मैंने थोड़ा बहुत समझाया होगा, और इस चीज को नोट कर लो, आगे फ्यूचर में आपके इसके ऊपर जिक्र करते रहेंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो और भी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे 14 क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास पूछा गया है यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट से, अगर उसमें से कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो हम यहाँ पे नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन भी लगा सकते हैं। तो सेंटेंस हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, द राइजिंग प्राइस ऑफ द एसेंशियल फूड, और सेंटेंस को कहाँ से इम्प्रूव करना है, जहाँ पे अंडरलाइन लिखा होता है। ठीक है, तो अंडरलाइन हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है वेटी के नीचे, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे देखने के बाद हमें इतना समझ आएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है द राइजिंग प्राइस ऑफ द एसेंशियल फूड आइटम हैव प्लेस्ड एन वेटी बर्डन ऑन द पुअर
एंड वेटी बर्डन, वेटी बर्डन मतलब यहाँ पे हमारे पास जो पूर होंगे, अगर यहाँ पे प्राइस का, यहाँ पे जो भी खाना खाते हैं हम, अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो पुअर पीपल के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही होगा। तो वेटी बर्डन होगा, वेटी बर्डन का मतलब आप सिंपली सेंस लगा के देखोगे यार, अगर पुअर होगा तो उसके लिए वेटी होगा, तो ये मतलब उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा, तो डिफिकल्ट टास्क होगा तो वेटी तो नहीं आएगा, क्या ऐसा थोड़े कि वेट बढ़ गया उसका या बर्डन बढ़ गया वेट का, ऐसा नहीं हो सकता, हमें इसको इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, लाइटेस्ट तो हो नहीं सकता, लाइटेस्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा छोटा, जिसको हम छोटा इंप्रूवमेंट बोल देते हैं, या फिर उसका इंपॉर्टेंस कम होता है, या फिर बोल देते हैं उसकी वेट कम है। ठीक है, और ट्रिवल का मतलब ही नहीं होगा, ट्रिवल क्यों होगा यहाँ पे, ट्रिवल का मतलब भी क्या होता है, यहाँ पे छोटा होता है, लिटिल होता है, टिनी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, एनॉर्मस होगा, ये आपका इसका आंसर। ठीक है, अगर मैं सिर्फ वेटी की बात करूं, ये कहाँ पे यूज होगा, ये भी आपका छोटे वर्ड के लिए यूज होता है, जहां पे हमारे लिए छोटा सा एक इम्पैक्ट पड़े, छोटा इम्पैक्ट पड़ने को हम वेटी वर्ड बोलते हैं। ठीक है, वेटी वर्ड, अगर ज्यादा बर्डन पड़ेगा तो उसको हम यहाँ पे इनॉर्मस बोलेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं 14 के ऊपर, 15 के ऊपर, 15 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 बहुत आसान था, अगर आपको एनिग्मा का मतलब पता होगा, एनिग्मा का मतलब होता है हमारे पास हार्ड टू अंडरस्टैंड, मतलब किसी चीज को यहाँ पे डिफिकल्टी हो, अगर मान लो मैं आपको कंफ्यूजन टाइप कुछ ना कुछ बताता जाऊं, आपके लिए हार्ड हो जाए समझना, तो उसके लिए हम एनिग्मा वर्ड यूज करेंगे। और इसका अगर एंटोनियम पूछा हुआ है तो उसका मतलब होता है ओपोजिट, तो ओपोजिट के लिए हम यहाँ पे क्लैरिटी वर्ड यूज करेंगे सिंपल, बाकी ऑप्शन तो वैसे ही हमारे देखने से बाहर ही चले जाएंगे सिंपल, एक ऑप्शन से आपका आंसर आ गया। ठीक है, एनिग्मा का आंसर पता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, क्लैरिटी का मतलब होता है इजी टू अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे आपसे वन वर्ड पूछा गया, वन वर्ड किसका पूछा है, हैविंग नो मॉरल प्रिंसिपल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारे पास होगा, जिसका कोई मॉरल प्रिंसिपल नहीं होगा तो उसको यहाँ पर हम बी ऑप्शन बोल सकते हैं, और जिसके मॉरल प्रिंसिपल होते हैं उसको हम यहाँ पे एथिकल बोलते हैं। ठीक है, तो बोथ आर दे आर बोथ आर बी एंड सी आर एंटोनियम टू इच अदर, एंड अनअवेयर, कोई स्टेशन के ऊपर हमें अवेयर नहीं है तो उसको हम अनअवेयर बोल देंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बी ऑप्शन। चलते हैं यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, 17 नंबर क्वेश्चन फिर से हमारे पास रॉन्गली स्पेलिंग के बारे में पूछा गया है, तो अगर आपने कभी भी इस वर्ड का मतलब सुना होगा, ये बहुत एक फेमस वर्ड है, तो यहाँ पर जब भी हम इस वर्ड का यूज करेंगे तो यहाँ पे डबल आ रहा था। ठीक है, तो यही इसके अंदर एरर था और ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था, डबल आर, उसने रॉन्गली स्पेल पूछा है तो रॉन्गली स्पेल यहाँ पर ये होगा, इसका मतलब है फीलिंग ऑफ ए शेम, क्लियर, फीलिंग ऑफ ए शेम हम बोल सकते हैं यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डबल आर आना चाहिए था, सिंगल आर की वजह से ये रॉन्गली स्पेल है, क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, क्वेश्चन नंबर 18 आपका फिल्डर का पूछा गया, यहाँ पर, यहाँ पे आपके पास गिवन है, दोज अर्निंग लेस देन 10,000 आर डैश फ्रॉम द पेइंग इनकम टैक्स, मतलब आर डैश फ्रॉम द पेइंग इनकम टैक्स, नेचुरली वाले अगर बात होगी यहाँ पे 10,000 से कम वाले होंगे तो वो फ्री होंगे, और फ्री ऑफ ए पेइंग टैक्स होंगे, तो ये फ्री फॉर्म के लिए हम क्या, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ये वाला बी ऑप्शन ही आपका सही है। ठीक है, कलेक्टर तो होता है हमने गैदर करना, एक्सेप्ट होता है हमने एक्सेप्ट कर लिया, किसी से ले लिया। ठीक है, एडजस्ट करना है, इनकम टैक्स को एडजस्ट करेंगे, तो ये सारे ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे, या तो टैक्स हम पे करेंगे या फिर नहीं करेंगे, या फिर फ्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। ठीक है, तो टैक्स से फ्री रहने के वाला ऑप्शन एक ही है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्लियर। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, ये हमारे पास यहाँ पे एक्टिव पैसिव है, 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, आपके पास एक वर्ड होगा, उसने पूछा है करेक्ट पैसिव बताओ, मतलब ये एक्टिव वर्ड होगा, इसका हमने पैसिव सेंटेंस बनाना होगा। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जो यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है, तो अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस स्टेटमेंट के अंदर जो दिल्ली होगा हमारे पास, द दिल्ली पुलिस, ये हमारे पास सब्जेक्ट होगा, और इसके अंदर लिखा है दूसरा हमारे पास एन एजुकेशनल वीडियो जो हमारे पास है, ये हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। जब हम यहाँ पर एक्टिव टू पैसिव जाएंगे तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो दिल्ली पुलिस यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो लास्ट में चेक कर लो, हर कंडीशन में द दिल्ली पुलिस आपको सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो आपका ऑब्जेक्ट है एन एजुकेशनल वीडियो, ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा एन एजुकेशनल वीडियो, ये हर एक कंडीशन में आपको लिखा हुआ यहाँ पे मिल जाएगा, क्लियर। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि इसमें तो कोई एरर नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। पंगा कहाँ पे होगा, पंगा हमारे पास यहाँ पे होगा कि आपको ये देखना पड़ेगा हैश शॉर्ट लिखा हुआ हैश शॉर्ट आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास ये वाला सेंटेंस क्या होगा, हैश शॉर्ट वाले सेंटेंस को हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्लियर। और हैज शॉर्ट को अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि हैज के साथ अगर हमारे पास यहाँ पे वर्ब लगी होगी तो ये हैज हो या फिर हैव हो, ठीक है, हैज या हैव के साथ अगर वर्ब लगी होगी तो हम सिंपल बोलेंगे यहाँ पर हमारे पास कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर मैं इसका यहाँ पे पैसिव फॉर्मेट बनाऊंगा तो यहाँ पर आपके पास याद रखना पड़ेगा हैज या हैव के साथ हमारे पास एक बीन लग जाता है और शॉर्ट का वर्ड वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, मतलब हैज हैव के साथ अगर हमारे पास वर्ब होगा एक्टिव में, तो पैसिव बनाने के लिए मुझे यहाँ पर एक बीन वर्ड यूज करना पड़ेगा,
तो बीन कहां पे आएगा आपका, सिर्फ थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन सही हैज बीन आएगा, ठीक हैज बीन आएगा, बाकी आपका सभी कंडीशनों में कहानी जो दे रखी है वो बिल्कुल सही है। और आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन, यहाँ पे बीइंग नहीं आ सकता, ठीक हैड नहीं आ सकता यहाँ पे, क्योंकि हैज है तो हैज ही रहेगा वहां पे, ठीक है, वाज नहीं आ सकता, पास्ट में नहीं बना सकते, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड रहेगा, ठीक है। चलते हैं अभी यहाँ पे 20th क्यूब, ये हमारे पास एक और क्वेश्चन आपका पैराजंबल के ऊपर पूछा गया कि इसके अकॉर्डिंग बताओ पैराजंबल का कौन सा करेक्ट फॉर्मेशन आपका बन सकता है, ठीक है, तो हमें बाय ऑप्शन यहाँ पे चेक करना चाहिए। मैंने हमेशा बताया जैसे यहाँ पर ए दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है, तो बी नहीं दिख रहा, तो बी को हम पहले स्टेटमेंट का प्रेफरेंस यहाँ पे नहीं देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे क्या डी हो सकता है, उसने लिखा है बट द ओनली इलिटरेट पर्सन, यहाँ पर बट ओनली आ गया, मतलब पहले कोई और भी कहानी चल रही होगी तभी तो यहाँ पे लिखा हो ना बट द ओनली, तो ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट के यहाँ पे आएगा, फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं हो सकता डी ऑप्शन, ठीक है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगर मैं ए से सेंटेंस शुरू करूंगा तो ए चेक करो, इन ऑर्डर टू बाय दैट साइकिल, कौन सा साइकिल, किसी साइकिल की बात हो रही है, तो यहां पर ए ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि इससे पहले कोई साइकिल की बात हो चुकी है, तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन इज ऑल्सो एलिमिनेटेड, क्लियर। अब जो क्वेश्चन ऑप्शन बच गए आपके पास वो बचा है सी और डी, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही गए। अगर मैं यहाँ पर सी को उठाऊं, यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे द फिल्म डच इज अबाउट ए यंग इरानियन विलेजर बॉय, तो दैट इज द स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर हम ऑप्शन दूसरा उठा ही नहीं रहे तो सी ऑप्शन ही आएगा पहला वर्ड, तो ये तो क्लियर है कि सी यहाँ पे आएगा। उसके बाद बी आएगा या ए आएगा फिर से चेक करना पड़ेगा, तो आप फिर से एक बार स्टेटमेंट को पढ़ के देखो, तो फिल्म जो हमारे पास डच है वो एक यंग इरानियन विलेजर बॉय की है, जिसको यहाँ पर क्या चाहिए, इन ऑर्डर टू बाय दैट साइकिल, और ही नीड ए बाइसाइकिल, ही नीड ए बाइसाइकिल, उस बाइसाइकिल को ऑर्डर करने के लिए उसको यहाँ पे आगे स्टेटमेंट किए, ठीक है, तो यहाँ पर पहले उसको साइकिल चाहिए होगा तभी तो साइकिल की बात करेगा, इसका मतलब पहले बी ऑप्शन आएगा यहाँ पे, क्लियर है, बी आएगा उसके बाद ए आएगा फिर डी आएगा, क्यों ए और डी मैंने सेलेक्ट सेल सीधा कैसे कर लिए, अगर यार सी के साथ बी आ रहा है तो मैं सीधा ऑप्शन ए उठाऊंगा ना, सी के साथ ए वाला ऑप्शन तो उठाऊंगा नहीं, तो इसकी मतलब ये थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्लियर। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ही नीड ए बाइसाइकिल टू विन ए बाइसाइकिल रेस विच वुड हेल्प हर पे ऑफ हिज फादर डेब्ट, तो ये आपका स्टेटमेंट बनेगा, और आगे उसने बोला है अगर उसको यहाँ पर ये रेस के लिए बाइसाइकिल चाहिए, रेस जीतकर वो अपने फादर के डेब्ट को खत्म कर सकता है, तो उस बाइसाइकिल को बाय करने के लिए उसको क्या चाहिए, उसने एक प्लान किया, ही प्लान टू विन सम प्राइज मनी बाय टीचिंग ऑन इलिटरेट पर्सन हाउ टू रीड एंड राइट, जो इलिटरेट पर्सन थे उनको उनको बताया कि तुमने कैसे पढ़ना है, कैसे यहाँ पर लिखना है, उनसे उन्होंने पढ़ा पढ़ा के वो विन प्राइज किया, और प्राइज जीतकर उसने फिर बाइसाइकिल लेनी है, बाइसाइकिल क्यों लेनी है ये आपको सेकंड स्टेटमेंट में क्लियर होगा, क्लियर। तो आई होप सबको ये समझ आ गया सी ऑप्शन कैसे है। क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा गया, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहाँ पे करनी है, जहाँ पे अंडरलाइन आपके पास स्टेटमेंट में कोई वर्ड दिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे डिसीज लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया हैज लॉस्ट ए वेटरन एक्टर विद द डिसीज ऑफ डैश श्रीराम लागू, ठीक है, श्रीराम लघु। अब आप यहाँ पर एक चीज समझ के देखो, अगर यहाँ पे इंडियन हैज लॉस्ट ए वेटरन एक्टर बोला जा रहा है तो यहाँ पे ये डिसीज आएगा या फिर कोई और वर्ड आएगा, ठीक है, मतलब आपको ये इनका मतलब पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे ये वर्ड यूज होते हैं, ठीक है, थीके? तो सबसे पहली बात हमारे पास ये पता होनी चाहिए कि डिसीज का मतलब होता है यहाँ पे नो लॉन्गर लिविंग, जो यहाँ पे लिविंग करना बंद कर चुका है, नो लॉन्गर लिविंग, इसका मतलब हमारे पास ये होता है, ठीक है, क्या ये इंप्रूवमेंट होगा या नहीं होगा आगे चेक करते हैं। कभी भी कोई एक्टर होता है या पर्सनैलिटी होता है, कोई पर्सन होता है, कभी हम उसको एक्सपायर तो नहीं बोलते, ठीक है, और हम यहाँ पर इसको भी नहीं बोलेंगे, और ये एक होता है हमारे पास डिमाइस वर्ड, डिमाइस वर्ड, और इसमें आपका बिल्कुल सिमिलरली टाइप है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर टाइप है, ऐसा नहीं कि दोनों में कोई फर्क होगा, सिमिलर टाइप कैसे होंगे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिमाइस की, डिमाइस का मतलब भी होता है यहाँ पर कोई ऐसी चीज जो कि अभी खत्म हो चुकी है, किसी की एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी जो है वो एंड हो चुकी है, एक्टिविटी को एंड को हम यहाँ पे डिमाइस बोल देंगे, बात समझ आ रही है। अगर यहाँ पर मैं नो लिविंग की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर इंडिया हैज लॉस्ट ए वेटरन एक्टर विद द डिसीज ऑफ श्रीराम लघु, यहाँ पर श्रीराम लघु होने की वजह से वो इंडियन एक्टर को लॉस कर रहे हैं, इंडियन एक्टर की डेथ नहीं हो रही इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो लिविंग के बारे में नहीं बताया जा रहा, बट एक एक्टिविटी थी श्रीराम लघु की जो की वेटरन एक्टर थे उन्होंने लॉस किया है, तो यहाँ पर कोई एक्टिविटी का एंड हुआ है, इसका मतलब आपका डिसीज का ऑप्शन क्या होगा, ये वाला होगा, मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, क्लियर। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके पास थर्ड ऑप्शन की, तो थर्ड ऑप्शन का मतलब होता है, थर्ड ऑप्शन का मतलब हमारे पास होता है कोई ऐसा स्टेट या फिर फैक्ट जिसकी वजह से कुछ और खराब हो जाए, या कोई किसी को खराब कर दे, समथिंग को खराब कर दे या समवन को खराब कर दे, कोई ऐसा स्टेटमेंट हम ऐसा फैक्ट बोल सकते हैं वो होगा, तो इसका लिए ये भी ऑप्शन आपका सुटेबल नहीं है, आपका एग्जैक्ट ऑप्शन नंबर डी ही आएगा, ठीक है। चलते हैं 22 नंबर के ऊपर,
हमारे पास यहाँ पे पूछा गया कि हमारे पास एक डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट सेंटेंस गिवन है, इसे हमने इनडायरेक्ट बनाना है, ठीक है। तो ज्यादा आपको यहाँ पे समझने से बेहतर है कि आप इस चीज को सिर्फ याद रखें कि अगर मुझे यहाँ पर देखो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा हैज लिखा हुआ है, और यहाँ पर हैज का अगर आपने कभी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाया होगा तो हैज का वर्ड हमारा हैड में कन्वर्ट हो गई होगा, और हैड आपके पास कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे तो इज लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। ये हमारे पास हैड लिखा हुआ है, ये हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास वॉज लिखा है, ये भी गलत हैज में नहीं रहेगा, हैज हमेशा आपका हैड में कन्वर्ट होता है। सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो है करेक्ट ऑप्शन बी। तो बी आपका इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा, क्लियर। अब मैं आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट और बता देता हूं, अगर मैं हैज की बात कर रहा हूँ, हैज के साथ यहाँ पे बीन लिखा हुआ है, ठीक है। तो हैज बीन आपका कन्वर्ट होता है हैड बीन के अंदर, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ये चीज आप याद रखें। और अगर मैं बात करूं हैज बीन, तो हैज बीन आपके कौन से टेंस में आएगा, यहाँ पे हैज बीन आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। लिख सकते हैं आप यहाँ पे हैज बीन की बात कर रहे हैं, हैज बीन होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस होगा वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में टेंस, पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास ग्रामरिकल एरर के बारे में पूछा गया। माई होटल इन गोवा हैड ए वंडरफुल व्यू ऑफ द सी इन द विंडो। इन द विंडो यहाँ पर कुछ सेंटेंस आपका ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि विंडो के अंदर थोड़ा यहाँ पे आपको व्यू दिखाई दे रहा है, तो जब आपके पास इन लिखा मिला तो यहाँ पे कुछ अच्छा सा भी नहीं देखा, पढ़ने को भी नहीं लग रहा, तो यही आपका उत्तर होगा। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता रहा हूँ, जब हम यहाँ पे कभी भी इन यूज करेंगे, इनका मतलब होता है जैसे बकेट है, बकेट के इन साइड, ठीक है, इन यूज कर सकते हैं, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं। तो जब हम कोई डायरेक्शन को देखते हैं ना, तो डायरेक्शन को देखने के लिए अलग अलग पॉइंट यूज होते हैं। जैसे कि मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, लाइक एक वर्ड होगा हमारे पास यहाँ पे एट, ठीक है। मान लो एट यहाँ पे कई बार आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाया जा सकता है, लिखा जा सकता है कि यहाँ पे एट द विंडो हो सकता है या नहीं हो सकता। तो डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में देख रहे हो किसी चीज को, ठीक है, वो बहुत अच्छा डिपेंड करता है। एक होता है एट हमारे पास, दूसरा होगा हमारे पास ऑफ द विंडो, यहाँ पे ऑफ भी लिखा जा सकता है, ऑफ द विंडो भी हो सकता था, और हमारे पास हो सकता है टू द विंडो, टू द विंडो भी हो सकता है हमारे पास, यहाँ पे डिपेंड करेगा, और हो सकता है बाय द विंडो, बाय द यूजिंग ऑफ विंडो, बाय द विंडो, ठीक है, वो भी हो सकता है हमारे पास। एक हमारे पास होगा यहाँ पर इन द विंडो, एक हमारे पास होगा यहाँ पे फ्रॉम द विंडो। तो इनमें से कोई भी लगा सकते हैं, ये हमारे पास 6-7 मैंने लिख दिया, इनमें से कोई भी लगा सकते हैं, सारे के सारे ठीक लगेंगे। बट यू हैव टू रिमेम्बर दैट हर एक की कंडीशन अलग अलग होती है। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे एट द विंडो, एट द विंडो का मतलब आपके पास होता है किसी लोकेशन को दिखाना, एट द डोर, डोर से खड़े होकर हम किसी को देख रहे हैं, एट द विंडो नहीं होगा, विंडो से तुम बाहर को देखेंगे, विंडो के ऊपर थोड़ा खड़े होंगे, विंडो एक आपकी लोकेशन थोड़ा डिसाइड करेगा, तो यहाँ पे एट नहीं आएगा, ठीक है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। एट इसलिए नहीं आया, मैंने आपको क्लियर किया, और एट कहाँ कहाँ पे आता है वो भी क्लियर, ठीक है। अगर बात करूं यहाँ पे सर टू कहाँ पे आएगा, टू आएगा डायरेक्शन कि उधर हमने यहाँ पर जैसे एरो है, एरो बना दे हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो टू आएगा वहां पे उसकी डायरेक्शन डिनोट करने के लिए कि इस साइड हमारे पास है, टू दी विंडो, विंडो की और की साइड है, ठीक है, तो वो टू लगाया जा सकता है, ठीक है। अगर बाय का बात करेंगे तो बाय हमारे पास यूज होगा एक तरीके से, जहां पे हमारे पास टाइम शो होगा कि शाम को ही ऐसा होता है, मॉर्निंग ऐसा होता है, जब टाइम के साथ इंडिकेशन करेंगे तो बाय लगाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके पास ऑफ की, तो ऑफ हमारे पास ऑब्जेक्ट के लिए होगा कि विंडो के पास कोई ऑब्जेक्ट है, ऑफ दी विंडो, विंडो के साथ पड़ा हुआ है, विंडो के आसपास पड़ा हुआ है, तो उसको हम यहाँ पे ऑफ लिखेंगे, साथ ऑफ मतलब साथ के साथ, ऐसा नहीं कि उसका मतलब ऑफ का मतलब साथ होगा, एक ऑब्जेक्ट की तौर से हम यहाँ पे ऑफ लिखेंगे, बट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हम यहाँ पे किसी व्यू को देख रहे हैं जो कि सी है, तो यहाँ पे ऑफ भी नहीं आएगा। इन मैंने आपको पहले बता दिया गलत है, तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब आपको सभी बच्चों को, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, ये हमारे पास एक पॉइंट होता है, कि हम यहाँ पे एक विंडो के एक पॉइंट से हमारा जो सी का व्यू देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्रॉम दी विंडो आना चाहिए था, इन दी विंडो आंसर यहाँ पे गलत रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 24। ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आप में से सारे बच्चे इसको ठीक कर सकते हैं, यूजिंग राइट हैंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तो वन वर्ड बोलते हैं, वन वर्ड के अंदर क्या आएगा हमारा, ए ऑप्शन ही आएगा, क्योंकि जो बच्चा यहाँ पे राइट और लेफ्ट हैंड यूज इक्वली कर रहा है उसको लेफ्ट हैंडेड थोड़ा बोलेंगे हम, इन एक्सपर्ट थोड़ा बोलेंगे, एक्सपर्ट थोड़ा हो जाएगा वो, एक्सपर्ट तो होगा ना दोनों हाथ वाला, तो इन एक्सपर्ट तो बोल नहीं सकते, और स्किल वाला पर्सन होगा अनस्किल तो वैसे नहीं बोल सकते, फिर बच्चा एक ऑप्शन हमारे पास ये इसका उत्तर होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा 25 आ चुका है यहाँ पर फिलर का, द टीचर डैश द स्टूडेंट फॉर चीटिंग। अगर आपको इनके मतलब नहीं पता तो आप मे बी इसके अंदर कंफ्यूज हो सकते हैं, प्रेस तो नहीं होगा किसी, कोई भी टीचर प्रेस तो नहीं करेगा कि चीटिंग करो, ये तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिफ्यूज, किसी जो टीचर है वो बच्चों को कह रहा है, रिफ्यूज कर रहा है चीटिंग के लिए, रिफ्यूज करने से कुछ नहीं होगा, और वैसे भी रिफ्यूज वर्ड यहाँ पे सेंस वाला भी पार्ट नहीं बनाएगा, ठीक है। बच्चे के हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन बी एंड डी,
बी ऑप्शन हमारे पास होगा एक तरीके से विटनेस। तो अगर यहाँ पे अभी स्टूडेंट ने चीटिंग करनी है, अगर नहीं की है, हमें उसके बारे में पता नहीं, तो हम उसको विटनेस कैसे क्लियर करें? मतलब उसको हमने अपराधी मान लिया कि यार यही बंदा है, इसने चीटिंग किया। अभी तो उसने बोलना है टीचर ने कि यार चीटिंग वगैरह मत करो या चीटिंग करो, तो उसने अभी एक्सप्रेस करना है टीचर ने। तो टीचर एक्सप्रेशन के लिए एक वर्ड यूज आप यहाँ पे याद रख ले, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका सही है, जिसको हम बोल सकते हैं एक्सप्रेस, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करके शार्पली यहाँ पे टीचर को बताना, टीचर रिबूक द स्टूडेंट फॉर चीटिंग। क्लियर? तो करेक्ट आंसर आपका ये होगा। एक बार